ये बात ध्यान में आ रही है कि फैमिली में इन सारी फीलिंग्स को समझने का काम कर रही है, लेकिन जब जीने जाएंगे तो फैमिली में तो जिएंगे ही, लेकिन फैमिली के साथ साथ एक बड़े परिवार में भी जीना होता ही है ना। तो हम बाकी की फीलिंग्स को समझ सकते हैं। तो एक बार इंटेंशन की क्लैरिटी दिख जाए, एक बार इंटेंशन की प्योरिटी दिख जाए, फिर साथ साथ जो है वो कॉम्पिटेंस को भी समझ सकते हैं, अपनी कॉम्पिटेंस को, अपने स्पाउस की कॉम्पिटेंस को, अपने बच्चों की कॉम्पिटेंस को, अपने सास ससुर की कॉम्पिटेंस को। अगर कॉम्पिटेंस को हम ना इवेल्युएट कर पाए तो क्या होता है, कई बार हम कॉम्पिटेंस को लेके भी परेशान होते रहते हैं, बुजुर्गों की कॉम्पिटेंस को लेके, कि देखो ये भी नहीं कर सकते, वो भी नहीं कर सकते। तो बेसिकली क्या है, हम के उनके कॉम्पिटेंस का इवेल्युएशन नहीं कर रहे हैं। तो कॉम्पिटेंस को देखना भी जरूरी है, ये राइट इवेल्युएशन है। तो इतना अगर हो जाए तो हम बाकी की जो फीलिंग्स हैं उनके बारे में बात कर सकते हैं। तो जब हम इंटेंशन की क्लैरिटी होती है, पर्पस प्रोग्राम पोटेंशियल की क्लैरिटी होती है, तो हमें ट्रस्ट और रिस्पेक्ट समझ में आता है। इतना अगर हो जाता है तब हम दूसरे को अपना संबंधी स्वीकार लेते हैं, दूसरे को अपना हम मान लेते हैं, अपना स्वीकार लेते हैं। सो दूसरे को संबंधी के रूप में जो स्वीकारने की फीलिंग है वो अफेक्शन है। तो अफेक्शन का मतलब है द फीलिंग ऑफ बीइंग रिलेटेड टू द अदर, एक्सेप्टेंस ऑफ द अदर एज वंस रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब ये नहीं होता कि मेरा चाचा मामा ताया है, रिलेटिव का मतलब होता है कि जिसके साथ भी हम रिलेशनशिप में रिलेट कर पाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि मेरे ब्लड ग्रुप के ही लोग होंगे, रिलेटिव का मतलब ये है कि जिनके साथ भी मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। कई बार अपने ही घर में अपने भाई बहन के साथ रिलेट नहीं कर पाते और बाकी 50-50 दोनों के दोस्त होते हैं, है ना। तो रिलेटिव का मतलब ये है कि जो मेरे ब्लड से जुड़ा हुआ, ऐसा नहीं है, क्योंकि रिश्ता खून में नहीं होता। फिल्मों में बोलते हैं कि खून का रिश्ता है, लेकिन बेसिकली देखें तो रिश्ता सेल्फ का सेल्फ से होता है। तो जिसके साथ भी हम रिलेशनशिप में रिलेट कर पाते हैं वो मेरा रिलेटिव है ना। तो ये बात है। तो एक्सेप्टेंस ऑफ द अदर एज वंस रिलेटिव, द अदर इज लाइक मी, दूसरा मेरे जैसा है, भले ही ऐसा हो सकता है कॉम्पिटेंस में कम, लेकिन दूसरा मेरे जैसा है। जब हम किसी दूसरे को बेस्ड ऑन द क्लैरिटी ऑफ द इंटेंशन एंड कॉम्पिटेंस, हम जब उसको अपना स्वीकारते हैं, तो उस फीलिंग का एक नाम दिया गया है अफेक्शन। अफेक्शन का मतलब है दूसरे को अपना स्वीकार लेना। इट कुड बी एनीवन, मेरे परिवार का भी हो सकता है, मेरा पड़ोसी भी हो सकता है, और मेरे कॉलेज का अटेंडेंट भी हो सकता है, मेरा कॉलेज का डायरेक्टर चेयरमैन कोई भी हो सकता है ना। तो हम जब दूसरे को अपना स्वीकार लेते हैं तो एक तो हम उसके प्रति जिम्मेदार हो जाते हैं, और हमारी उसके प्रति एक निष्ठा बन जाती है, एक कमिटमेंट बन जाती है। किस बात की निष्ठा, किस बात का कमिटमेंट, इस बात का कमिटमेंट कि म्यूचुअल फुलफिलमेंट की फीलिंग के साथ जीना है। म्यूचुअल फुलफिलमेंट का मतलब है कि मैं अपने भी निरंतर सुख के लिए काम करूंगा और उसके भी निरंतर सुख समृद्धि के लिए काम करूंगा। ये हम तब इस भावना में हम तब जागृत हो पाते हैं जब हमको ये समझ में आता है कि दूसरा मेरा रिलेटिव है, मैं जब उससे रिलेट कर पाता हूँ, है ना। तो ये कमिटमेंट और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अफेक्शन की फीलिंग के साथ ये नेचुरली फ्लो करती है। तो आप कभी अगर लेटर लिखते भी हैं तो लेटर के नीचे में आप लिखते हैं अफेक्शनेटली योर्स। तो अफेक्शनेटली योर्स का मतलब क्या है, अफेक्शनेटली योर्स का मतलब इतना ही है कि जिसको आप लेटर लिख रहे हैं आप उसको ये कहते हैं, आई एम क्लियर अबाउट द प्योरिटी ऑफ योर इंटेंशन, आई एम ऑल्सो क्लियर दैट द पर्पस प्रोग्राम पोटेंशियल ऑफ योर्स इज सेम। अगर इतना दिखाई देता है तो अफेक्शन की जगह है। अफेक्शन अगर हम अंदर नहीं पनपता, अफेक्शन की फीलिंग अगर हमारे अंदर नहीं उदय होती तो क्या होता है, तो फिर अपोजिशन का भाव होता है या जेलसी होती है। ये कोई फीलिंग नहीं है, ये बेसिकली इस बात का इंडिकेशन है कि हमको अफेक्शन नहीं समझ में आ रहा। हम बोलचाल की भाषा में बोलते रहते हैं कि उसको मेरे से जेलसी की फीलिंग है, उसको मेरे साथ अपोजिशन है, बट बेसिकली ये जेलसी की फीलिंग नहीं है, ये अपोजिशन की फीलिंग नहीं है, ये तो जो अफेक्शन की फीलिंग होनी थी वो नहीं हो पाई, एंश्योर उसका एब्सेंस है। तो जेलसी कोई फीलिंग नहीं होती, जेलसी तो एक खालीपन है जो किसी के सेल्फ में हो रहा है, और वो खालीपन जो है वो अफेक्शन का एब्सेंस है। जो डिजायर्ड फीलिंग है अफेक्शन, वो नहीं एंश्योर हो पाई, उसका एब्सेंस है। तो ये बात देख सकते हैं कि हमें दूसरे के साथ अफेक्शन है या नहीं है। तो जैसे आप अभी परिवार में बैठे हुए हैं, आपके परिवार के लोगों के साथ आप बैठे हुए हैं, या आप नहीं भी बैठे हुए तब भी आप देखिए अपने परिवार में, क्या आपको दूसरों के साथ अफेक्शन की फीलिंग हो रही है या नहीं हो रही। इसका मतलब ये है कि क्या आप उनकी इंटेंशन को देख पा रहे हैं, उनके पर्पस प्रोग्राम पोटेंशियल को अपने जैसा देख पा रहे हैं,
इसके बेसिस पे क्या उनको आप अपना स्वीकार पाते हैं, इतना काम अगर हो पाता है तब आप कह सकते हैं कि आपको उसके साथ अफेक्शन। तो एक आदमी को दूसरे के साथ अफेक्शन की फीलिंग है ये पता कैसे लगेगा? तो जैसे अगर ये देखें घर में ही भाई भाई के बीच में अफेक्शन है तो कैसे पता लगेगा, या भाई बहन के बीच में अफेक्शन है तो वो कैसे पता लगेगा? अगर इस बात को भी सोचें तो वो कैसे पता लगेगा? तो उसका एक एग्जाम्पल ये हो सकता है कि अगर एक भाई का प्रमोशन लगने पे दूसरा भाई खुशी मनाता है तो अफेक्शन है। एक भाई के घर घर एक भाई का घर बनता है तो दूसरा भाई सेलिब्रेट करता है, तब अफेक्शन है। एक भाई के घर गाड़ी आती है, दूसरे भाई के घर चूल्हा बंद हो जाता है, तो वो अफेक्शन है या वो जेलसी है, इसको हम नोट कर सकते हैं, है ना। तो बेसिकली क्या है, अगर हमको ट्रस्ट रिस्पेक्ट और अफेक्शन नहीं समझ में आता तो फिर एक अदर फ्लो होता है अपोजिशन का, जेलसी का, है ना। लेकिन अगर हमको एक दूसरे के साथ स्नेह है, हमको एक दूसरे के साथ जुड़ाव महसूस होता है, इस जुड़ाव का नाम है अफेक्शन, इस लगाव का नाम है अफेक्शन। तो जब हम एक की सफलता पे खुश हो पाता है दूसरा, तो ये कह सकते हैं कि दूसरे को पहले के साथ अफेक्शन है। जब एक की सफलता से दूसरा परेशान हो जाता है, दूसरे की सफलता से पहला परेशान हो जाता है, तो कहीं ना कहीं अफेक्शन को समझा नहीं है, जेलसी है। तो आज परिवारों में क्या ज्यादा दिखाई देता है, अफेक्शन से भरे हुए दिखाई देते हैं लोग या कहीं ना कहीं कॉम्पीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं? तो अगर दो भाई आपस में कम्पीट करने में लगे हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि उनको ट्रस्ट रिस्पेक्ट और अफेक्शन नहीं समझ में आ रहा। और अगर वो जो है आपस में खुशी मना रहे हैं और दूसरे के दुख में भी भागीदार हो रहे हैं, दूसरे के संकट के समय में भी भागीदार हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको एक दूसरे के साथ जुड़ाव है, एक दूजे दे नाल उन्हां नूं खिंचौंदी है। दा मतलब यह है कि वो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, उनको एक दूसरे के साथ अफेक्शन। तो इतनी बात जो है अगर आप देख पाते हैं, अपने बच्चों के साथ भी देखिए, अपने स्पाउस के साथ भी देखिए, अपने सास ससुर के साथ भी देखिए और अपने स्टूडेंट्स के साथ भी देखिए, कि आपको ट्रस्ट रिस्पेक्ट और अफेक्शन एक दूसरे के साथ जुड़ाव महसूस होता नहीं होता। फिर अपने पड़ोसियों के साथ भी देखिए, है ना, इतना हो रहा है तो इसका मतलब आप इन फीलिंग्स को समझ पा रहे हैं, इन फीलिंग का सुख बनेगा आप में। तो अगर इन फीलिंग्स को नहीं समझ में आ रहे तो कहीं ना कहीं ये अपोजिशन का भाव बना रहता है, जेलसी बनी रहती है, ये होता है। तो एक बार अगर हम किसी को अपना स्वीकार लेते हैं, एक बार अगर हम किसी को अपना मान लेते हैं, तो उसके आगे दो फीलिंग और जो है ये बहने लग जाती हैं। ये दो फीलिंग और कौन कौन सी हैं? एक का नाम है ममता और एक का नाम है वात्सल्य, एक का नाम है केयर और दूसरे का नाम है गाइडेंस। तो केयर का मतलब है फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द बॉडी ऑफ माई रिलेटिव। तो जो मेरा रिलेटिव है, मुझे राइट अंडरस्टैंडिंग से, क्लैरिटी ऑफ द सेल्फ से ये भी समझ में आता है, जिस तरह मैं सेल्फ और बॉडी दोनों का कोएग्जिस्टेंस हूँ, उसी तरह ये मेरे सामने वाला भी मेरे सेल्फ और बॉडी का कोएग्जिस्टेंस है। तो इसकी बॉडी भी है और इसका सेल्फ भी है। तो बॉडी के प्रति जो हम जिम्मेदारी महसूस करते हैं उसका नाम है केयर, जो हम सेल्फ के प्रति जिम्मेदारी महसूस करते हैं उसका नाम है गाइडेंस। द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कमिटमेंट फॉर नर्चरिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी ऑफ माई रिलेटिव, दिस इज केयर। Responsibility and commitment for ensuring right understanding and right feeling in the self of my relative, this is guidance. So care and guidance are a natural outcome of affection. तो एक बार अगर हमको किसी से affection हो गया, एक बार हमको किसी से जुड़ाव महसूस हो गया, तो फिर ये दो feeling और जन्म ले लेती हैं, एक का नाम है care और एक का नाम है guidance. तो केयर का मतलब है अपने relative के शरीर की जिम्मेदारी का भाव, कि मुझे उसकी body को nurture करना है और मुझे उसके बॉडी को प्रोटेक्ट करना है। और जब हम गाइडेंस में देखते हैं तो उसका मतलब है कि मुझे अपने रिलेटिव के सेल्फ को समझदार जिम्मेदार बनाने में उसका सहयोग करना है। तो ये जो गाइडेंस का काम है, ये जो केयर का काम है, ये बॉडी और सेल्फ की साथ कमिटमेंट से जुड़ा हुआ है। तो ठीक से देखें तो दोनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी है, बॉडी के काम की या सेल्फ के काम की? तो अगर एक्सप्लोर करने जाएं तो ये बात समझ में आती है कि बॉडी की भी केयर करना है लेकिन सेल्फ को समझदार जिम्मेदार बनाना भी जरूरी है। तो दोनों ही जरूरी हैं। आज के दिन देखें तो क्या हो रहा है ज्यादा घरों में, अगर घरों में देखने जाएं तो ज्यादा केयर पे काम हो रहा है या ज्यादा गाइडेंस पे काम हो रहा है, इस बात को भी समझना जरूरी है। तो इससे पहले ये बात समझना जरूरी है कि केयर जो होती है वो केयर की फीलिंग खाली माँ में ही होगी या केयर बाप में भी हो सकती है।
ये माँ से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है। शुरू शुरू में देखने जाएं तो क्योंकि बच्चा माँ के शरीर से जन्म लेता है, इसलिए पहले बच्चा जो है माँ के साथ ही ज्यादा जुड़ाव महसूस करता है। बट ये जो फीलिंग है, ये कहीं ना कहीं राइट अंडरस्टैंडिंग का इशू है, सेल्फ की क्लैरिटी का इशू है, ये किसी में भी हो सकती है। तो एक 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 छोटे भाई में अपनी बहन के लिए भी केयर की फीलिंग हो सकती है, एक बाप में अपने बच्चे के लिए भी केयर की फीलिंग हो सकती है। तो कई बार की कुछ जो की माँ नहीं होती, तो जो उनका उनका जो भाई है वो अपनी बहन को बड़ा करता है ना। तो भाई में ममता है कि नहीं है, तो भाई में भी ममता है। तो ये शरीर से ज्यादा जो है ये सेल्फ की क्लैरिटी का मुद्दा है ना। तो ये किसी में भी हो सकती है। फिर ठीक से देखें, सिर्फ माँ की ही ममता होगी या कई बार जो है परिवार के बाकी लोगों में भी एक दूसरे की, अपने स्पाउस के, अपने बच्चों के, अपने सास ससुराल, कितना उन शरीर का या आवाज नहीं ब्रेक है। हो रही है भैया, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है जी, अभी बताइए। अभी भी थोड़ी सी हेलो ब्रेक। हाँ अभी ठीक है, हेलो हेलो। अभी ठीक है। अच्छा, अभी देखिए भैया आ रही है। हाँ, अभी ठीक है, अभी ठीक है अच्छा जी। ठीक है, अभी इस लेवल पे। हाँ ये ठीक है, अच्छा आगे अच्छा कंटिन्यू कर सकते हैं। आप बता दीजिएगा, है ना। हाँ तो ठीक से देख सकते हैं कि हमको केयर समझ में आई है नहीं आई है। तो इस बात को अगर आप अपने पहले परिवारों में देखें, है ना, मैं एक बार थोड़ा सा चेंज करके देखता। हेलो जी, आवाज आ रही है? हाँ अभी भी आ रही है। आ रही है ठीक से? हाँ ठीक है आवाज। जी। तो ये बात को सबसे पहले हमको अपने परिवारों में समझने की कोशिश करनी है कि क्या हमको अपने जो रिलेटिव है, चाहे तो वो मेरी वाइफ है, चाहे हमारे बच्चे हैं, चाहे हमारे सास ससुर हैं, उनके साथ केयर की फीलिंग है कि नहीं है। या हम ऑफिस से आते हैं तो हम अपने यूट्यूब पे या फेसबुक पे ही काम करने लग जाते हैं, और जो है बाकी के लोग जो है दिन में 80% काम, 90% काम, या 80-90% ऑफ द टाइम वो किचन के ही काम को कर रहे हैं या घर को ही मैनेज करने का काम कर रहे हैं। तो हम उसमें ये भी देख सकते हैं कि अगर हमारे को हमारे रिलेटिव के प्रति केयर की या गाइडेंस की केयर की फीलिंग है, तो फिर हम उनके शरीर का भी ध्यान रख रहे हैं, दिख रहे। अभी तो बहुत परिवारों में ऐसा है कि जो बच्चे बड़े हो गए हैं, कॉलेजों से आते हैं और आके जो है वो अपने मोबाइल पे लग जाते हैं, तो या तो टिकटॉक पे लग जाएंगे या और गेम्स खेलने लगेंगे, है ना, या किसी से फोन पे बात करने लगेंगे, और बाकी के परिवार के लोग जो है वो गोलू के बैल की तरह लगे ही हुए हैं। घर के कामों का 80% जिम्मे 90% तो जो है एक ही आदमी लगा हुआ है, और बाकी के लोग जो हैं वो अपने अपने और बिहेवियर वाले काम कर रहे हैं, फोन वाले काम कर रहे हैं, लैपटॉप वाले काम कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं ना, जिम जा रहे हैं। तो ये बात भी देख सकते हैं कि हमको केयर समझ में भी आ रही है नहीं आ रही है ना। अगर केयर का भाव हमारे अंदर नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये है कि हमारा भावनात्मक विकास तो नहीं हो रहा है। हाँ हम जो है शरीर के लेवल पे कुछ अच्छा जी पा रहे होंगे, लेकिन हमारी फीलिंग का तो डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। तो इस अगर फीलिंग का डेवलपमेंट नहीं होगा, तो या तो हम केयर को नहीं समझेंगे, तो उसका एक दूसरा जो आउटकम है वो ये है, हम कहीं ना कहीं फिर एक्सप्लॉयटेशन के काम में लग जाते हैं। तो एक आदमी ऐसा है जो तो घर में कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, और एक आदमी को बेचारे को जो है अपने सेल्फ पे ध्यान देने का टाइम ही नहीं है, है ना। तो ठीक से देख लें, हम परिवारों में भी कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन के कामों में तो नहीं लगे हुए, है ना। कहीं ना कहीं ऑफिस से आने के बाद भी हम बाकी कामों में लग जाते हैं, या कहीं ना कहीं परिवार के जो 50-100 काम है हम उनकी तरफ ध्यान भी देते हैं कि एक आदमी दो आदमी जो है वो सुबह से लेकर रात तक उनको कंघी करने का भी टाइम नहीं मिल रहा, उनको नहाने का टाइम भी नहीं मिल रहा, और एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा काम। तो केयर का भाव होगा तो हम अपने संबंधियों के शरीर के पोषण और संरक्षण की जिम्मेवारी भी लेंगे। ये बात को भी समझना जरूरी है, ये जो घर चलाने की जिम्मेवारी है ये उस आदमी की नहीं है जो पैसा नहीं कमाता, ये सभी की साझी जिम्मेवारी है। तो अगर हमको ये फीलिंग समझ में आएगी तो फिर हम घर में भी पार्टिसिपेट करेंगे। अभी क्या मानसिकता होती जा रही है कि जो आदमी पैसा कमा रहा है वो अपने को ये मानने लग जाता है ना समझी के कारण कि मैं तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हूँ, और जो घर पे लोगों को काम करना है ये तो मेरे सर्विस डिपार्टमेंट है, तो मैं तो पैसा कमा के ला रहा हूँ, तो मेरा तो मैं तो पहले ही बड़ा काम में लगा हुआ हूँ, और इन लोगों को तो जो है मुझको सर्व करना है। तो इस तरह की मानसिकता तो हमारे अंदर कहीं घर नहीं कर गई है। ऐसा अगर हो गया तो कहीं ना कहीं हम एक्सप्लॉयटेशन के काम में लग गए हैं, हमको केयर नहीं समझ में आ रहा। बच्चों के साथ भी देखें तो हम बच्चों के भावनात्मक विकास या गाइडेंस को लेके भी काम कर रहे हैं, बच्चों के अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट फीलिंग को एंश्योर करने का भी काम कर रहे हैं,
या कहीं ना कहीं बच्चों के शरीर को ही बड़ा कर रहे हैं। अभी के घरों के हालात को देखें तो सुबह से लेकर रात तक बच्चा क्या क्या खाना है, कितने कितने घंटे में उसने कितना कितना कुछ खाना है ना, इस बात का तो बहुत ध्यान रखते हैं। लेकिन किस तरह की फीलिंग बच्चे में डेवलप हो रही है, किस तरह के संस्कार बच्चे के सेल्फ में जा रहे हैं, इसका भी स्टॉक टेकिंग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, ये बात भी देखने की जरूरत है। ये बात तो देख रहे हैं कि बच्चा थर्ड क्लास से फोर्थ क्लास में प्रमोट तो हो गया, 95% मार्क्स लेके आया, लेकिन बच्चा माँ बाप के प्रति ग्रेटिट्यूड फील कर पा रहा है, बच्चा पहले से ज़्यादा ट्रस्ट के साथ जी पा रहा है नहीं जी पा रहा, बच्चा पहले से ज़्यादा माँ बाप की रिस्पेक्ट कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, ये भावनात्मक विकास भी बच्चे का हो रहा है नहीं हो रहा है ना, या बच्चे को घर में होने वाले कामों से घर में रहने वाले लोगों के साथ किसी तरह का रिश्ता दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा, ये सब बातें जो है ना ये गाइडेंस के अंडर आती हैं। तो केयर को तो बहुत सारे परिवार में फोकस करते रहते हैं, लेकिन अगर गाइडेंस को काम ना करें तो फिर शरीर बड़ा हो जाता है, शरीर हटा कट्ठा हो जाता है, लेकिन सेल्फ जो है ना वो चंचल रहता है। बहुत सारे कॉलेज के बच्चों को देखें, 22-22, 25-25 साल के हो जाते हैं, लेकिन जो है अगर माँ बाप घर में ना रहें तो उनको जो है ठीक से अपनी गैस पे गैस ऑन करके चाय भी बनानी नहीं आती। तो हम कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि उन बच्चों का इशू है या उनके माँ बाप ने उनके केयर पे ज़्यादा काम किया और सेल्फ पे कम काम किया। और दूसरे एग्जाम्पलों से अगर देखना शुरू करें तो बच्चे आज के दिन 100-100 रुपये खा रहे हैं स्कूल से आने के बाद, है ना। बच्चे सुबह सुबह उठते हैं चॉकलेट खा लेते हैं फ्रिज से निकाल के, है ना, छोटी छोटी बात पे वो इंसेंटिव मांगते हैं, 100-100, 200-200 रुपये खा रहे हैं एक दिन में एवरेज बच्चे, जिनको हम अच्छे घर मानते हैं उनके शरीर तो उनके बहुत बड़े हो रहे हैं, बट उनकी जिद जिस तरह से वो करते हैं, जिस तरह से वो चिल्लाते हैं, ये सब भी हो रहा है ठीक के नहीं हो रहा, तो भावनात्मक विकास हो रहा है नहीं हो रहा, ये सब बातों को देखना जरूरी है। तो क्या लगता है, दोनों की ही जरूरत है, हम दोनों को ही इंश्योर कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं हमारा ध्यान केयर पे ज्यादा है? इस बात को भी महसूस करना बहुत जरूरी है कि हमारे बच्चे के अंदर ह्यूमिलिटी बढ़ रही है नहीं बढ़ रही, निम्रता आ रही है नहीं आ रही, इस बात को भी समझना, या बच्चे के मार्क्स आते जा रहे हैं बट उसमें एरोगेंस भी होता जा रहा है। तो ठीक से देखें, जो बच्चा मिस्टर फ्रेशर बन जाता है कॉलेज में आने के बाद, उसमें विनम्रता ज्यादा आ जाती है या कहीं ना कहीं वो अपने ओवर इवेल्यूएशन में चला जाता है? जो बच्चा गोल्ड मेडल ले आता है बोर्ड के क्लास में, वो जमीन पे पैर रहते हैं उसके या वो आसमान में उड़ने लग जाता है? इस बात को भी हम देख सकते हैं। तो ये सारे मुद्दे हमारे लिए रिफ्लेक्ट करने के मुद्दे हैं। ये रिफ्लेक्ट अगर हम करेंगे तो हमको ये समझ में आएगा कि हम ज्यादा फोकस कहाँ कर रहे हैं। तो आप ये भी देख सकते हैं कि आज जब अपने बच्चों की आप परवरिश कर रहे हैं तो उसमें शरीर को ज्यादा बड़ा करने में लगे हैं, या कहीं ना कहीं आप बच्चे भावनात्मक विकास की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं कि उनके अंदर विनम्रता आ रही है या बढ़ रहा है उनका, है ना, उनके अंदर जो है माँ बाप के प्रति, जो माँ बाप जितना एफर्ट कर रहे हैं वो माँ बाप की मेहनत का राइट इवैल्यूएशन कर पा रहे नहीं कर पा रहे, वो अपने दादा दादी के साथ जुड़ाव महसूस करते हैं या कहीं ना कहीं दादा दादी से दूर ही जाते हैं? ये सारे मुद्दों पे भी ध्यान देना जरूरी है कि केयर पे फोकस हो रहा है आज समाज में ज्यादा या गाइडेंस पे ज्यादा फोकस हो रहा है। ये बात को जो है हमने अपने लिए देखना है कि हम कितना जोर कहाँ दे रहे हैं। जैसे बच्चा खाना ना खाए तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं कि आज बच्चे ने खाना नहीं खाया, आज बच्चे ने खिचड़ी नहीं खाई, लेकिन आज बच्चे को गुस्सा आया, आज बच्चे ने गुस्से से जो है हाथ को उठा के टेबल पे मारा, ये हमारे लिए मुद्दा बन रहा है नहीं बन रहा? क्या बच्चे के सेल्फ के डेवलपमेंट के लिए भी हम काम कर पाते हैं नहीं कर पाते, है ना, इन बातों को भी ध्यान देना जरूरी है। तो आप भी अपने लिए देखिए, बेसिकली जब आप अपने बच्चों को है ना परवरिश कर रहे हैं तो ज़्यादा ध्यान आपका कहाँ पे है? ये बात तो पक्की है कि जितना जितना आप गाइडेंस का काम करेंगे, केयर की नीड जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा वो कम होती जाएगी। जितना जितना आप केयर पे फोकस करेंगे और गाइडेंस को इग्नोर करेंगे तो केयर की नीड बड़ा होते होते और बढ़ती चली जाएगी। तो बच्चे जैसे जैसे बड़े भी होते जाते हैं, अगर उनका गाइडेंस का काम ना हो तो वो जिद्दी होते चले जाते हैं, है ना, तो वो और ज़्यादा अटेंशन मांगते हैं। तो काफ़ी लोग ये कह रहे हैं, ये अच्छी बात है कि केयर पे भी ध्यान दे रहे हैं, गाइडेंस पे भी ध्यान दे रहे हैं, लेकिन ये जितना आप ऑब्जेक्टिवली देखेंगे उतना ज़्यादा है ना अच्छा है। दोनों की ही जरूरत है। जैसे भी बहुत सारे माँ बाप को देखें, बच्चों को जब खाना खिलाते हैं, पर्टिकुलरली छोटे बच्चे हैं, अब वो चिल्ला रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं, लेकिन है ना कहीं उसकी चूंटी मार रहे हैं, कहीं उसका है ना मुक्का मार रहे हैं, फिर उसका मुंह खुल रहा है, फिर उसमें कुछ सब्जी डाल रहे हैं। बहुत सारे माँ बाप इस तरह की प्रैक्टिसेस भी करते रहते हैं। तो क्या लगता है, जब बच्चा रो रहा है और हम उसके मुँह में खाना डाल रहे हैं, तो जिस बच्चे का सेल्फ दुखी हो रहा है, जिस बच्चे का सेल्फ परेशान हो रहा है, क्या लगता है वो जो खाना उसके शरीर में जाएगा वो रस बनाएगा या वो तेजाब बनाएगा? इस बात को सोचना जरूरी है। तो अगर बच्चा दुखी हो रहा है, बच्चा परेशान हो रहा है, और अगर हम ट्रांजेक्शन को पूरा करने में लगे हुए हैं,
तो क्या लगता है, बच्चे के शरीर में रसायन बनेंगे, है ना, पोषण बनेगा, रस बनेगा, खून बनेगा, या बच्चे के शरीर में कहीं ना कहीं डाइजेशन खराबी होगा, है ना, तेजाबी बनेगा। तो इस बात को महसूस कर सकते हैं कि दोनों में से इम्पोर्टेंस किसकी ज्यादा है, केयर की इम्पोर्टेंस ज्यादा है या गाइडेंस की इम्पोर्टेंस ज्यादा है। ठीक, तो ये बात जो है हम देख सकते हैं। इतना अगर ध्यान में आए तो फिर आगे की कुछ और फीलिंग्स हैं, इनके बारे में बात हो सकती है। तो एक फीलिंग का नाम है रेवरेंस। तो रेवरेंस का मतलब है द फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर एक्सीलेंस। तो फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर एक्सीलेंस यानी श्रेष्ठता की स्वीकृति का भाव। तो कोई श्रेष्ठ है, हम उसकी श्रेष्ठता को देख पाते हैं, कोई एक्सीलेंट है, जीने में एक्सीलेंट है, समझ की जगह से एक्सीलेंट है, हम उसकी एक्सीलेंस को देख पाते हैं, हम उसकी एक्सीलेंस को स्वीकार पाते हैं। ये जो स्वीकारना है दूसरे की एक्सीलेंस को, इसका जो नाम है ये रेवरेंस है। क्वेश्चन ये बनता है कि एक्सीलेंस है क्या, किस चीज को एक्सीलेंस कहेंगे। तो ये बात को समझना जरूरी है। अगर एक्सीलेंस को देखें तो हम लोग उसको यहाँ पे शेयर आपसे ये कर रहे हैं कि एक्सीलेंस का मतलब है कंप्लीटनेस ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग। कंप्लीटनेस ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग यानी सही समझ की पूर्णता। तो सही समझ की पूर्णता का मतलब क्या है? तो सही समझ की पूर्णता का मतलब ये है कि चार लेवल की हारमोनी को समझ पाना, जितना भी जीने का एक्सपेंस है सब जगह हारमोनी को समझ पाना और सब जगह हारमोनी के साथ जी पाना, अपने आप में भी सुखी होना, परिवार समाज में भी जो है सुख फीलिंग के साथ जी पाना और नेचर के लेवल पे भी जो है हारमोनियसली जी पाना, इतना जो व्यक्ति कर पाता है वो आदमी एक्सीलेंट है। जिसने चारों लेवल की हारमोनी को समझा और चारों लेवल की हारमोनी में जिया वो एक्सीलेंट होगा, या क्रिकेट के मैदान में 20,000 रन बना देने वाला एक्सीलेंट होगा। तो इसको भी हम ठीक से देख सकते हैं कि एक्सीलेंस का मतलब क्या है। एक्सीलेंस का मतलब संपूर्णता को समझना, संपूर्णता के अर्थ में जी पाना होगा, या किसी एक स्किल पे कुछ अच्छा काम कर जाना, कुछ अच्छा है ना बम बना देना, कुछ अच्छी टेक्नोलॉजी बना देना, कुछ स्पोर्ट्स में अच्छा कर देना, है ना, ये ज्यादा ठीक है, या एक कंप्लीटनेस को समझ पाना, कंप्लीटनेस के अर्थ में जी पाना, ये ठीक है। तो इसको भी देखने का प्रयास किया जाए कि एक्सीलेंस और कॉम्पिटिशन ये दोनों एक ही बात है या अलग अलग बात है। अगर हम कॉलेज में एक्सीलेंस प्रमोट कर रहे हैं तो क्या होगा, और अगर हम कॉलेज में कंपटीशन प्रमोट कर रहे हैं क्लासरूम में तो क्या होगा। तो ठीक से देखें, अगर हम क्लासरूम में एक्सीलेंस को प्रमोट कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, हर एक बच्चा जो समझ पा रहा है वो, हर एक बच्चा जो नहीं समझ पा रहा उसको हेल्प करने की सोचेगा, तो ये तो एक्सीलेंस के लिए काम करना हुआ। लेकिन अगर हम कॉम्पिटिशन को प्रमोट कर रहे हैं तो कॉम्पिटिशन को प्रमोट करने के साथ क्या होगा, पहले वो बच्चा जो समझ पा रहा है, वो बच्चा जो नहीं समझ पाएगा, उन दोनों के बीच में गैप कैसे बढ़े इस बात को सोचा जाएगा। तो नेचुरली एक्सेप्टेबल क्या है, एक्सीलेंस के लिए काम करना या कंपटीशन में लगे रहना। तो नेचुरल एक्सेप्टेंस तो यह है कि हम एक्सीलेंस को समझ पाएं, एक्सीलेंस के साथ जी पाएं, है ना, इसमें हमको ज्यादा समझ में आता है। कई बार ये धारणा बनती है कि कंपटीशन से ही ग्रोथ होती है, इस बात को भी ठीक से समझ लिया जाए। अगर जैसे देखिए ये वर्कशॉप चल रही है 350 लोगों के साथ, अगर हम कॉम्पिटिशन करा दें कि एक पोल करें और उसमें ये पूछें और बोले कि वर्कशॉप के बाद हम एक टेस्ट लेंगे सभी का, और जिसके मार्क्स सबसे ज्यादा आए उसको तो 1,00,000 रुपए का इनाम, और जिसके मार्क्स सबसे कम आए उसको 1,00,000 रुपए का फाइन। तो क्या लगता है, ये जो 300-350 लोगों के साथ वर्कशॉप आराम से चल रही है, ये उतनी आराम से चल पाएगी या भगदड़ मच जाएगी? तो ये बात भी ध्यान में आनी जरूरी है कि जब हम एक्सीलेंस को प्रमोट करते हैं तो ज्यादा हारमोनियस माहौल होता है, या जब हम कॉम्पिटिशन को प्रमोट करते हैं तो ज्यादा हारमोनियस माहौल होता है, इसको भी ठीक से चेक करना जरूरी है। इस सारे मुद्दों को रिफ्लेक्ट करना जरूरी है कि आज के दिन स्कूलों में क्या प्रमोट किया जा रहा है, कंपटीशन प्रमोट किया जा रहा है या एक्सीलेंस प्रमोट किया जा रहा है, और नेचुरली एक्सेप्टेबल क्या है। हम एक्सीलेंस के लिए काम करें, संपूर्णता को समझने के लिए काम करें, या एक दूसरे को लड़वाते रहें आपस में, एक दूसरे के विरोधी बनाते रहें, कंपटीशन कराते रहें, है ना, ये बात को समझना जरूरी है कि परिवारों में क्या हो रहा है। अभी ठीक से देखें, हालात तो कई एग्जांपल्स में इतने गिर चुके हैं, सभी के लिए नहीं कह रहा, लेकिन बहुत सारे केस में तो हस्बैंड वाइफ भी आपस में कंपटीशन करने लगते हैं। अगर वाइफ की तनख्वाह हस्बैंड की तनख्वाह से 2,000 रुपए ज्यादा हो गई तो बहुत सारे हस्बैंड ऐसे हैं उनको प्रेशर फील होने लगता है। तो क्या लगता है, दोनों के बीच में अफेक्शन है, दोनों एक्सीलेंस के लिए काम कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं दोनों भी कॉम्पिटिशन में लगे, तो इतने एक्सीलेंस के लिए नहीं देख पा रहे, ट्रस्ट रिस्पेक्ट अफेक्शन नहीं इंश्योर हो पा रहा, तो उस संबंध के हालात क्या होंगे,
वो संबंध तो जो है लड़ाई का मैदान हो गया ना। तो ठीक से देखें कि स्कूलों में परवरिश, स्कूलों में बीज क्या बोया जा रहा है, बच्चों में कंपटीशन बोया जा रहा है, या कहीं ना कहीं बच्चे को एक्सेलेंस के साथ जीने के लिए जो है प्रेरित किया जा रहा है, ये बात को समझना जरूरी है। तो नेचुरल एक्सेप्टेंस को देखने जाएं, वो एक्सेलेंस है या वो एक दूसरे के साथ कम्पीट करना है, तो अच्छी बात है। बहुत सारे लोग ये कह पाते हैं, देख पा रहे हैं कि एक्सेलेंस के लिए करना, लेकिन चल क्या रहा है आज समाज में, उसको भी ठीक से देख सकते हैं। इस बात को भी देख सकते हैं, जब हम एक्सेलेंस के लिए काम करते हैं तो क्या होता है, और जब हम कंपटीशन के लिए काम करते हैं तो क्या होता है। जब हम एक्सेलेंस के लिए काम कर रहे हैं तो मुझे ये पता है कि दूसरा मेरे जैसा है और हम दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। लेकिन जब हम कॉम्पिटिशन के लिए काम करते हैं तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर नो अदर, नॉट अदर, ओनली मी, ये भावना होती है। और कहीं ना कहीं मैं डिफरेंट हूँ, आई एम आउट ऑफ द क्राउड, है ना, मैं कहीं ना कहीं इस बात को फील करता रहता हूँ। फिर अगर ठीक से देखें, जो एक्सीलेंस के लिए काम करते हैं तो कहीं ना कहीं जो है हम राइट अंडरस्टैंडिंग को फोकस कर रहे हैं, नेचुरल एक्सेप्टेंस को फोकस कर रहे हैं, है ना। और अगर हम कंपटीशन को प्रमोट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो है हम प्री कंडीशनिंग को फोकस कर रहे हैं। तो ये बात देखना जरूरी है कि इसमें जो रिलेशनशिप हमारे होते हैं वो अनकंडीशनल होते हैं, लेकिन कॉम्पिटिशन के जब माहौल में होते हैं तो हम कंडीशनल रिलेशनशिप के साथ चलते हैं। तो जब तक हमारा पर्पस पूरा हो रहा है तब तक तो हम रिलेशन को फोकस कर पाते हैं, लेकिन जब हमारा काम निकल गया तो हम उस रिलेशनशिप को तवज्जो नहीं दे पाते, उस रिलेशनशिप के साथ हम इत्तेफाक नहीं रख पाते। ये बात को भी देखना बहुत जरूरी है। एक्सेलेंस को भी जब देखने जाएंगे तो एक्सेलेंस में क्या है ना, हम अपने भी नर्चरिंग का काम करते हैं और हम अपने जुड़े हुए लोगों के भी नर्चरिंग का काम करते हैं, सभी के नर्चरिंग के बारे में सोचते हैं, है ना। और इस केस में क्या है, कॉम्पिटिशन में हम अपने नर्चर को तो फोकस करते हैं और उस अपने को नर्चर करने के फोकस में कई बार हम दूसरों को एक्सप्लॉइट भी कर जाते हैं। एक्सेलेंस में जो है हम एक दूसरों को भी अपने लेवल पे लाने का प्रयास करते हैं, और अगर हम कंपटीशन में लगे हुए हैं तो हम दोनों के डिफरेंस को एक्सेंचुएट करने का काम करते हैं, और इसमें डोमिनेशन, मैन्युपुलेशन, डिफरेंस को, है ना, मेंटेन करना, एक्सप्लॉइट करना, ये नेसेसरी हो जाता है। ये बेसिकली कॉम्पिटिशन को देखने जाए तो ये आज के रूल्स ऑफ द गेम ये हैं। एक्सेलेंस के लिए काम करना एक तरह का एब्सोल्यूट काम है, तो जितना मुझे समझ आ रहा है उसके साथ तो मैं निम्रता के साथ जीता हूँ, और जो मुझे नहीं समझ में आया उसको मैं समझने के लिए किसी से भी तैयार रहता हूँ, भले ही वो मुझसे छोटा क्यों ना हो। लेकिन अगर मैं कंपटीशन को फोकस कर रहा हूँ तो मेरा फोकस दूसरा होता है, मैं दूसरे के कंपैरिजन में कैसा हूँ, मेरी अंग्रेजी दूसरे के कंपैरिजन में कैसी है। तो मेरी अंग्रेजी अगर दूसरे के कंपैरिजन में अच्छी होती है तो मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता हूँ, और मेरी अंग्रेजी अगर दूसरे के कंपैरिजन में कम होती है तो मैं अंडर इवैल्यूएशन में चला जाता हूँ। तो इसमें देखें बेसिकली कंपटीशन में कहीं ना कहीं एक रिलेटिविटी है, कहीं ना कहीं रिलेटिविटी में देख रहे हैं। एक्सीलेंस के लिए जब हम काम करते हैं तो हम कंप्लीटनेस को टारगेट करते हैं, जितना समझ पा रहे हैं उसके साथ हम जीते हैं, और जितना नहीं समझ पा रहे उसके लिए हम निम्रता के साथ दूसरों से समझने को भी तैयार रहते हैं। तो इतना जो है ये एक्सीलेंस को समझने के चलने की बात है। तो क्या लगता है आज का जो माहौल है उसमें क्या ज्यादा फोकस हो रहा है, क्या लगता है आज के दिन फोकस क्या ज्यादा हो रहा है, एक्सेलेंस पे ज्यादा काम हो रहा है या कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन भी प्रमोट हो रहा है? अगर कॉलेजेस में देखें तो क्या ज्यादा प्रमोट हो रहा है? तो इसको भी हम ठीक से देखें कि आज के दिन स्कूलों में क्या प्रमोट किया जा रहा है और कॉलेजों में क्या प्रमोट किया जा रहा है। एक्सेलेंस को प्रमोट कर रहे हैं हमारे बच्चे जिनका कंप्यूटर अच्छा है, जिनकी प्रोग्रामिंग अच्छी है, जिनका VLSI अच्छा है, जिनका जो है CNC अच्छा है, वो क्या जिन बच्चों का अच्छा नहीं है उनको समझाने के लिए टाइम लगा रहे हैं, या कहीं ना कहीं कंपटीशन में ही फिट होने का प्रयास कर रहे हैं? और अगर ठीक से देखें हमारी रियल ग्रोथ कब होती है, जब हम दूसरों के साथ अपनी नॉलेज को शेयर करते हैं या जब हम उसका कॉपीराइट कराते हैं, क्या लगता है? तो ये बात भी ध्यान में आती है अगर आप हम देखें कि जब हम दूसरे के साथ अपनी नॉलेज को शेयर करते हैं, दूसरे को भी अपने जैसा बनाने का प्रयास करते हैं, उस सारे प्रोसेस में हम और निखर जाते हैं, उस सारे प्रोसेस में हम और ग्रो कर जाते हैं। लेकिन हम जब दूसरों के साथ अपने डिफरेंस को बढ़ाने का काम करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी ग्रोथ भी बाधित होती है। और आप सब लोग टीचर्स हैं और इस बात को बहुत अच्छे से महसूस कर पाते हैं कि आपकी असली पढ़ाई कब शुरू हुई, जब आप बीटेक एमटेक कर रहे थे तब, या जब आपने एक्चुअली में पढ़ाना शुरू किया।
आप भी एक बात को महसूस कर पाते हैं, मैं तो बहुत महसूस करता हूँ कि हमारी रियल पढ़ाई, हमारी रियल एजुकेशन तो तब शुरू होती है जब हम पढ़ाना शुरू करते हैं, जब हम शेयर करना शुरू करते हैं। लेकिन अगर उसमें भी हमारे अंदर कॉम्पिटिशन आ जाए कि मुझे सबसे आगे निकलना है, तो क्या लगता है हमारी हमारी ग्रोथ होने लगती है या कहीं ना कहीं हमारा डिग्रेडेशन होने लगता है। तो इस बात को भी देखना जरूरी है, कॉम्पिटिशन प्रमोट हो रहा है समाज में, शिक्षा में, या कहीं ना कहीं एक्सेलेंस प्रमोट हो रहा है, इस बात को चेक करना जरूरी है ना। तो ये अगर बात समझ में आती है तो हमको फिर एक्सेलेंस भी समझ में आती है, फिर हमको रेफरेंस भी समझ में आती है। इसके साथ दो फीलिंग और जुड़ी हुई है कि जिन लोगों ने भी समाज में, है ना, किसी भी डायमेंशन में एक्सेलेंस के लिए एफर्ट किया, उनको जो हम स्वीकार पाते हैं उसका नाम है गौरव। तो गौरव या ग्लोरी उन लोगों के लिए जिनको भी हम स्वीकार पाते हैं, जिन लोगों ने भी एक्सेलेंस के लिए एफर्ट किया, तो जिन लोगों ने भी समाज में सही को स्थापित करने का प्रयास किया कि समाज में सही की परंपरा बनी रहे, सही का ट्रेडिशन बना रहे, जो सही चीजें हैं, जो सही संस्कार हैं, जो सही विचार हैं, वो समाज में जिंदा रहें, वो समाज में बने रहें, ऐसे लोगों ने जो अपना एफर्ट किया और उसके लिए अपने शरीर को भी गंवा दिया कई बार, तो उनके लिए जो हमारे अंदर एक्सेप्टेंस बनता है वो ग्लोरी है। तो वी फील ग्लोरियस फॉर दोज पीपल हु मेड एफर्ट फॉर एस्टेब्लिशिंग द एक्सेलेंस इन द सोसाइटी। उन्होंने जो हमें सही के लिए रास्ता दिखाने का प्रयास किया, सही को बचाने का प्रयास किया, उसके लिए जो एक्सेप्टेंस है वो गौरव है ना। फिर ग्रेटिट्यूड को देखने जाएं तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीलिंग है किसी भी रिश्ते में ग्रोथ करने के लिए, किसी भी रिश्ते में डेवलपमेंट के लिए। इसका मतलब क्या है, तो ग्रेटिट्यूड को देखने जाएंगे तो ये वो एक्सेप्टेंस है, उन लोगों के लिए एक्सेप्टेंस है जिन्होंने मुझे एक्सीलेंट बनाने के लिए कंट्रीब्यूट किया, जिन्होंने मुझे एक्सीलेंट बनाने के लिए योगदान किया, कंट्रीब्यूशन किया। तो श्रेष्ठता का मतलब है, ग्रेटिट्यूड का मतलब है फीलिंग फॉर दोज हु मेड एफर्ट फॉर माई एक्सीलेंस। मैं स्टार हो जाऊं, मैं जिम्मेदार हो जाऊं, मैं निरंतर सुख के साथ जी सकूं, इसके लिए जो लोगों ने प्रयास किया उसका नाम है ग्रेटिट्यूड। तो क्या लगता है आज के दिन हमारे बच्चों में ग्रेटिट्यूड ज्यादा दिखाई देता है या इनग्रेटिट्यूड ज्यादा दिखाई देता है? जैसे क्या लगता है कि बच्चे क्या महसूस करते हैं कि हम अपने माँ बाप के प्रति, अपने दादा प्रति, दादा दादी के प्रति बहुत ग्रेटिट्यूड से भरे हुए हैं क्योंकि उन्होंने हमारे को जन्म दिया और हमारे पालन पोषण के लिए इतना कुछ किया, या फिर वो बच्चे ये कहने लग गए हैं कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है? तो इस बात को भी हम महसूस कर सकते हैं कि हमारे स्कूलों में जो बच्चे हैं, हमारे कॉलेजों में जो बच्चे हैं, क्या लगता है वो ग्रेटिट्यूड से हमारे साथ मिलते हैं, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग के साथ मिलते हैं, या कहीं ना कहीं एरोगेंस के साथ मिलते हैं? अभी तो हालात ये होते जा रहे हैं कि बहुत सारे कॉलेज में देखो, सब कॉलेज में नहीं लेकिन ये भी छुटपुट एग्जाम्पल आ रहे हैं, बट वो भी ट्रेलर है, अगर इन सब बातों को हम इंश्योर नहीं करेंगे तो वो बढ़ने वाला है। तो बहुत सारे बच्चे कहने लगे कि आप हमें डांटे ना, आपका घर तो हमारी फीस से ही चलता है ना। इस तरह की स्टेटमेंट भी जो है, बच्चे इस लेवल पे भी स्टूप कर चुके हैं। तो क्या लगता है, ग्रेटिट्यूड से भरे हुए हैं या इनग्रेटिट्यूड से भरे हुए हैं, है ना? लेकिन अगर उसी बच्चे को देखो तो उसके मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं लेकिन उसमें निम्रता ज्यादा है, उसमें एक्सेप्टेंस ज्यादा है टीचर के प्रति, या कहीं ना कहीं एरोगेंस ज्यादा है, कहीं ना कहीं उसके अंदर क्रांतिकारिता ज्यादा है, आंदोलन ज्यादा है। इस बात को भी ठीक से देख सकते हैं, है ना। तो कितना सारा जो है किसी लोगों ने प्रयास किया, तो ठीक से देखें माँ बाप के प्रति बच्चे में ग्रेटिट्यूड की फीलिंग होगी या नहीं होगी, तो होगी। टीचर के प्रति ग्रेटिट्यूड की फीलिंग होगी नहीं होगी, जो सुबह 5 बजे उठ के पूरे घर को सेटल करता है, प्रेजेंटेशन तैयार करता है, क्लास तैयार करता है, ट्रैवल करके जाता है 1 घंटा, फिर पढ़ाता है, फिर नोट्स असाइनमेंट देता है, फिर रात को असाइनमेंट चेक करता है, 12 बजे सोता है, फिर 4 बजे उठ के फिर प्रेजेंटेशन और क्लास तैयार करता है। तो टीचर के प्रति ग्रेटिट्यूड होगा है बच्चे में या नहीं होगा? तो होगा। आज के दिन है तो आज के दिन तो मिसिंग दिखाई देता है या बहुत तेजी से मिस होता जा रहा है। तो ठीक से देखें तो टीचर के प्रति ग्रेटिट्यूड होगा या नहीं होगा? तो होगा। खाली टीचर के प्रति होगा या जिन लोगों ने बच्चे के लिए मेस में खाना बनाया उनके प्रति भी होगा? तो उनके प्रति भी होगा, क्योंकि अगर खाना ही ना बनाता तो 9 बजे क्लास कैसे अटेंड करता आगे? तो कोई 4 बजे उठ रहा है और 5 घंटे लगा के खाना बना रहा है 100 बच्चों का, तो उनके लिए भी ग्रेटिट्यूड होगा या नहीं होगा? तो उनके लिए भी होगा। उन्हीं के लिए होगा या जो 2 बजे उठ के मंडी से लेकर आया और 4 बजे तक उसने मेस में पहुंचाया, तो उसके लिए भी होगा। फिर ठीक से देखें जिसने सब्जी मंडी में उसको बेचने का काम किया उसके प्रति होगा, तो उधर भी होगा। फिर जो ट्रक से, है ना, 1000 किलोमीटर ट्रक चला के लाया और सब्जी को मंडी में पहुंचाया, उसके प्रति होगा या नहीं होगा? तो ग्रेटिट्यूड तो उसके प्रति भी होगा।
फिर जिसने जो ट्रांसपोर्ट करके लाया उसके प्रति तो होगा, किसान के प्रति होगा या नहीं होगा, जिसने उगाया। अगर ना उगाता तो ट्रक से लेकर कैसे आता, तो किसान के प्रति भी होगा, किसान के प्रति भी होगा या उस धरती के प्रति भी होगा जिसमें जिसमें अनाज को पैदा करने का, सब्जी को पैदा करने का पोटेंशियल था, तो फिर धरती के प्रति भी होगा। क्योंकि अगर धरती में पोटेंशियल ही ना होता और किसान ट्रैक्टर लेके चला जाए खेत में और ट्रैक्टर से हल चलाता रहे, तो क्या लगता है अनाज और सब्जी पैदा हो जाएगी? तो नहीं होगी। तो धरती में पोटेंशियल है, इसलिए किसान जब फावड़ा मारता है, किसान जब कस्सी चलाता है, तो उसमें अनाज उग के आ जाता है बाहर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि धरती के प्रति भी ग्रेटिट्यूड होगा, क्योंकि धरती में वो पोटेंशियल है कि एक बीज डालते हैं तो 20 बीज मल्टीप्लाई हो जाते हैं। धरती के प्रति ही होगा या सूरज के प्रति भी होगा कि जिसकी किरणें आ रही हैं तो धरती में बीज का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो सूरज के प्रति भी होगा, है ना? और बाकी ब्रह्मांडीय किरण, बाकी जो है ब्रह्मांडीय किरणों के प्रति होगा कि नहीं होगा, तो ठीक से देखें। अगर ग्रेटिट्यूड को आप एक्सपेंड करने जाएं तो ये देखें, हम इस ऑनलाइन वर्कशॉप को पूरा ठीक से सिस्टमेटिकली 5 दिन तक अटेंड कर सकें, इसके लिए पूरी कायनात काम कर रही है ना? सब लोग भी काम कर रहे हैं और कुदरत भी काम कर रही है, ताकि हम 5 5 दिन की ऑनलाइन FDP को ज्यादा से ज्यादा अच्छे से समझ सकें। अगर आप ही को पहले उगाना होता, फिर आप ही को ट्रांसपोर्ट करके घर पे लाना होता, फिर उसको जो है चक्की से पीसना होता, फिर उसको आटा गूंदना होता, रोटी बनानी, पता लगा 9 बजे की क्लास जो है अगले महीने भी ना शुरू हो पाए। तो ग्रेटिट्यूड को देखने जाएंगे तो कितना कुछ हमारे समझदार होने के लिए ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन एक तरफ ये है कि इतना कुछ चल रहा है, एक तरफ बच्चे ये बोलने लगे हैं कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, तुम्हारा घर तो मेरी फीस से चलता है। तो हम जो पढ़ा रहे हैं उसके प्रति कहीं ना कहीं हमारे क्वेश्चन मार्क पैदा होता नहीं होता कि जो हम पढ़ा रहे हैं उसकी तृप्ति भी होगी या नहीं होगी, है ना? ये जो पढ़ा रहे हैं वो कितना पूरा है कितना अधूरा है, इसको भी देखना जरूरी है। तो इस बात को भी ठीक से रिफ्लेक्ट किया जाए कि हमारे भी अंदर कितना ग्रेटिट्यूड रहता है। क्या हमारे अंदर कॉलेजेस में इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, हमारे कुलीग काम कर रहे हैं, है ना, इतने सारे और सपोर्ट स्टाफ काम कर रहा है, क्लर्क काम कर रहे हैं, है ना, फिर पियोन काम कर रहे हैं, अटेंडेंट काम कर रहे हैं, स्वीपर काम कर रहे हैं, क्लीनिंग वाले काम कर रहे हैं, गार्ड्स काम कर रहे हैं, तो इनके प्रति भी ग्रेटिट्यूड है। वो मोदी जी हमारे जो हैं साथी एक्सपर्ट, वो एक एग्जाम्पल बोलते हैं लाइटर नोट में कि डायरेक्टर कॉलेज ना आए तो 4 5 दिन चल जाएगा, लेकिन अगर स्वीपर ना आए ना तो नहीं चल सकता, वो रहने की पढ़ने पढ़ाने की जगह ही नहीं बचेगी। तो क्या लगता है वो इम्पोर्टेंट काम चल रहा है नहीं चल रहा? तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा है और वो पूरा निश्चित आचरण से कितने साल तक किया जा रहा है, तो उसके प्रति भी ग्रेटिट्यूड होगा नहीं होगा। लेकिन आज के दिन क्या है, इतना कुछ चल रहा है लेकिन अगर लैब में कोई सॉफ्टवेयर का लाइसेंस रिन्यू ना हो तो बच्चे जो है ना हड़ताल कर लेते हैं, कुछ खाने में कई बार प्रॉब्लम आ जाए, कई बार लाइब्रेरी में इंटरनेट ना चले, तो बच्चे जो है एरोगेंस में हड़ताल पे आ जाते हैं। तो क्या लगता है बच्चे सिर्फ जो हो पाया है और जो नहीं हो पाया उनके लिए, उन दोनों को देखते हैं या जो नहीं हो पाया उस पे ही ज्यादा फोकस करते हैं? तो ठीक से देखें तो बच्चे तो जो नहीं हुआ, व्हाट हैज नॉट बीन डन, उस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। हम अगर अपने अंदर भी रिलेट करके देखें कि हम दोनों चीजों पे बराबर ध्यान देते हैं या जो है हम उस बात पे ज्यादा फोकस करते हैं कि जो नहीं हो पाया। जैसे ठीक से देखिए, हमारी वाइफ हमको कितने सालों से खाना बना के खिला रही है, हमारी माँ ने हमको जो है इतने सालों से खाना बना के खिलाया, 2 किलो के हम पैदा हुए थे, 2.5 किलो के और हम 80 किलो के हो गए, इतने साल तक खिलाया पिलाया बड़ा किया, है ना? अभी अगर कोई पूछ ले इतने दिन तक जो है वो बना के खिलाते हैं, हम कभी भी इतना अच्छा बनता है कभी अप्रिशिएट नहीं कर पाते, लेकिन एक दिन मिर्च तेज हो जाए, एक दिन नमक तेज हो जाए और वो पूछ ले खाना कैसा बना है, तो 6 आइटम हो या 4 आइटम हो, तो जो नहीं वाला पार्ट है ना कि नमक ज्यादा कर दिया, आज मिर्च ज्यादा कर दी, तुमको कहा तो था कि प्याज नहीं डालने, है ना, फिर तुमने प्याज डाल दिए, तो व्हाट हैज नॉट बीन डन पे कई बार हमारा ध्यान ज्यादा रहता है। तो हम भी ठीक से देख लें कि हमारे अंदर वो ग्रेटिट्यूड की दृष्टि डेवलप भी हुई है या नहीं हुई है, या नहीं वाले पे ज्यादा ध्यान है या जो हो रहा है और नहीं हो रहा दोनों पे बराबर ध्यान है। इस बात को भी आप महसूस करके देखिए, इस बात को भी रिफ्लेक्ट करने की जरूरत है कि जो मेरे लिए इतना इतना कुछ करना है उसे भी मेरा ध्यान है या जो नहीं हो रहा उसकी लिस्ट ज्यादा है। इस बात को भी ठीक से महसूस किया जाए और बहुत ऑब्जेक्टिवली देखना है इसको अपने लिए। हम क्या करते हैं, हम दोनों पे ध्यान दे रहे हैं, जो हमारे लिए किया गया और जो हमारे लिए नहीं किया गया दोनों पे बराबर ध्यान है, या फिर जो है नहीं, जो किया गया या जो छूट गया पहला ध्यान वहां जाता है,
इस बात को भी ठीक से महसूस किया जाए कि ज्यादा ध्यान हमारा कहाँ जा रहा है ना। इस बात को जितना हम ऑब्जेक्टिवली देख पाएंगे उतना हमारे अंदर जगह बनेगी कि हम जो है ग्रेटिट्यूड को समझ पाए। तो अगर ग्रेटिट्यूड हमको समझ में आ रहा है तो हमको ये समझ में आएगा कि कितना कुछ हमारे लिए हुआ है, इस पूरी कायनात ने कितना कुछ हमारे लिए किया है आज तक और आज भी हो रहा है, जिसके कारण हम ये 5 दिन की ऑनलाइन FTP कर पा रहे हैं। इस बात को भी ठीक से है ना देखा जाए, रिफ्लेक्ट किया जाए। अच्छी बात है, काफी लोग ये महसूस कर पा रहे हैं कि जो हमारे लिए किया गया हम उसको भी देख पाते हैं और जो हमारे लिए नहीं किया गया या छूट गया या कम पड़ गया उसको भी देख पाते हैं। तो ठीक बात है। तो यही वो जगह है जहाँ पे शुक्रगुजारता की बात समझ में आती है। यही वो जगह है जहाँ पे हम शुक्रगुजार हो पाते हैं, जो हमारे लिए हुआ उसको भी देख पाते हैं और जो हमारे लिए नहीं हुआ उसको हम कैसे पूरा कर दें उसको भी देख पाए। फिर हम ये भी देख सकते हैं कि आज के दिन हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड की जो फीलिंग है वो कंटिन्यूअस बनी रहती है या वो आती जाती रहती है। कभी तो बहुत ग्रेटिट्यूड फील करते हैं और कभी हमको लगता है कि इन्होंने हमारे लिए किया ही क्या है ना। तो इस बात को भी ठीक से देखें, ये फीलिंग जो है हमारी इसकी आवाजाही बनी हुई है, इसका आवागमन बना हुआ है या कहीं ना कहीं ग्रेटिट्यूड की फीलिंग की कंटिन्यूटी है। फिर हम ये भी देखें कि जो नहीं हुआ क्या हम उसको, क्या जो दूसरा नहीं कर पाया क्या हम उसको इंश्योर करने का काम भी कर रहे हैं या हम शिकायत ही कर रहे हैं। फिर हम ये भी देखें कि क्या हम इस बात का एफर्ट कर रहे हैं कि जो है हम अपने अंदर राइट फीलिंग्स को, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग को इंश्योर कर सकें और दूसरे के साथ एक्सप्रेस कर सकें, या फिर हम दूसरों से ही फीलिंग्स को एक्सपेक्ट करने में लगेंगे, दूसरे से फीलिंग्स मिल जाए, दूसरा हमें भाव दे, दूसरा हमें ध्यान दे। असल में कई बार इस बात को ऑब्जर्व कर पाता हूँ जब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, बहुत बड़े बड़े ऑफिसर जब अपने कॉलेज में एंटर करते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी में एंटर करते हैं, कई बार उनकी एक्सपेक्टेशन बनी रहती है कि जब मेरी गाड़ी निकले तो मैं अगर गार्ड की तरफ देखूं या ना देखूं बट उसका तो सलाम जरूर बजना चाहिए, है ना। और कई बार अगर ऐसा हो जाए कि वो गार्ड जो है मैनेज ना कर पाए सलाम, तो कई बार उनको जो है अपने ऑफिस में बुला लिया जाता है और उनको ये मैसेज दिया जाता है कि जो है आप थोड़ा ध्यान रखा करो, है ना, काफी अलर्ट रहने की जरूरत होती है, आना जाना ध्यान रखा करो कॉलेज में, है ना, क्योंकि सेंसिटिव एरिया है। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि वो दूसरों से फीलिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्या लगता है जो बड़ा आदमी कौन है, जो फीलिंग को दे पाता है या जो फीलिंग को मांग रहा है? तो बड़ा आदमी तो उसको कहा जाएगा जो फीलिंग को देने की जगह पे है। तो हम बड़े आदमी हैं या नहीं है ये इस बात से तय होगा कि हम फीलिंग को शेयर करने में लगे हैं, अपने अंदर फीलिंग को इंश्योर करके उसको शेयर कर रहे हैं सभी के साथ, या कहीं ना कहीं हम अपनी पोजिशन के बेसिस पे, अपनी वेल्थ के बेसिस पे, अपनी डिग्री के बेसिस पे फीलिंग की डिमांड करते हैं, फीलिंग की मांग कर रहे हैं। इस बात को समझना जरूरी है। इसके आधार पर तय होगा कि हमको ये फीलिंग समझ में आई है नहीं आई। तो अगर सारी फीलिंग को एक जगह रख के देखें तो ये बात समझ में आती है कि जो बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन है दैट इज टू बी कंटिन्यूअसली हैप्पी। और कंटिन्यूअस हैप्पीनेस कैसे सुनिश्चित हो सकती है? तो एक्सीलेंस को अचीव करके। एक्सीलेंस का मतलब क्या है? 4 लेवल की हारमोनी को समझना और 4 लेवल की हारमोनी में जी पाना, लीडिंग टू कंटिन्यूअस हैप्पीनेस। 4 लेवल की हारमोनी का मतलब क्या है? अपने आप को ठीक ठीक समझ पाना, परिवार, समाज, नेचर, एग्जिस्टेंस को ठीक ठीक समझ पाना और चारों ही लेवल पे ठीक ठीक जी पाना। ये एक एक्सीलेंस की जगह है। पेड़ लगा दें लेकिन परिवार में ठीक ना जी पाए तो चलेगा? तो नहीं चलेगा। परिवार में ठीक जी लें लेकिन सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन ना कर पाए तो नहीं चलता, क्योंकि 40 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में बहुत सारे लोगों को ये लगने लग जाता कि मैंने तो सारा कुछ अपने और अपने परिवार के लिए किया, इस नेचर के लिए मैंने किया क्या, इस सोसाइटी के लिए किया क्या। अगर परिवार, समाज और नेचर में सारा काम करते रहें लेकिन अगर अपने अंदर हारमोनियस ना हो पाए तो चलेगा? तब भी नहीं चलेगा। समाज में मान सम्मान बहुत हो जाए लेकिन अपने अंदर कंट्राडिक्शन बनी रहे, प्री कंडीशनिंग सेंसेशन से गाइडेंस बनी रहे तो चलेगा? तब भी नहीं चलेगा। तो एक्सीलेंस का मतलब यह है कि चारों की हारमोनी को समझना जरूरी है, चारों की हारमोनी में जीना जरूरी है। तो ये तो जो ट्रस्ट और रिस्पेक्ट है ये सभी के लिए होगी। विश्वास और सम्मान, इंटेंशन की क्लैरिटी, पर्पस, प्रोग्राम, पोटेंशियल की क्लैरिटी सभी के साथ। रेवरेंस उन लोगों के लिए जो एक्सलेंट हो गए, जिन्होंने सही को समझा, जिन्होंने सच्चाई को समझा, सच्चाई के साथ जिया, उनके लिए एक्सेप्टेंस जो है वो रेवरेंस। ग्लोरी उन लोगों के लिए जिन्होंने मेरी एक्सीलेंस के, जिन्होंने समाज में एक्सीलेंस जिंदा रहे, सही के बाद बनी रहे, उसके लिए मेहनत की, उनके लिए ग्लोरी। ग्रेटिट्यूड उन लोगों के लिए जिन्होंने मुझे एक्सेलेंट बनाने के लिए काम किया। तो ये बात समझ में आती है। अब जो आखिरी फीलिंग है उसको मैं 5 मिनट में रख देता हूँ कि आप अपनी नेचुरल एक्सेप्टेंस के बेसिस पे वेरीफाई कीजिए। अब हम लव की बात कर रहे हैं, आप हम नेचुरल एक्सेप्टेंस को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि इफ यू वॉन्ट टू बी रिलेटेड टू नन, टू वन,
टू मैनी और एवरीवन। सो नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या है, हम किसी के साथ भी जीना नहीं चाहते, हम एक या कुछ लोगों के साथ ही जीना चाहते हैं या हम सभी के साथ जीना चाहते हैं। सो द फीलिंग ऑफ बीइंग रिलेटेड टू वन टू नन दैट इज बीइंग इन अपोजिशन टू ऑल, तो ये अपोजिशन है। द फीलिंग ऑफ बीइंग रिलेटेड टू वन एंड मैनी दिस इज अफेक्शन। द फीलिंग ऑफ बीइंग रिलेटेड टू ऑल दिस इज लव। सो लव का मतलब है हर एक को संबंधी के रूप में स्वीकारने का भाव। द फीलिंग ऑफ बीइंग रिलेटेड टू ऑल, मैं सभी से जुड़ा हुआ हूँ, मैं सभी के साथ जब अपना रिश्ता देख पाता हूँ तो उस भाव का नाम है प्रेम। तो ये संबंध की पूर्णता है, ये फीलिंग की पूर्णता है। तो विश्वास से शुरू करते हैं और लव तक हम पहुंचते हैं। तो लव का मतलब है कंप्लीटनेस ऑफ फीलिंग्स। लव का मतलब है एक एक को अपने संबंधी के रूप में स्वीकारने का जो भाव है ये प्रेम है। तो प्रेम का मतलब है कि एक एक को हम अपना रिलेटिव देख पाए, एक एक के साथ एक जुड़ाव महसूस कर पाए, इसका नाम है प्रेम। इसका मतलब ये नहीं कि सभी लोगों के साथ एक्सप्रेशन करना है। एक्सप्रेशन लोगों के साथ होगा जिनके साथ बेसिस पे, बट फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस जो होगी वो सभी के लिए होगी, चाहे वो मैं यहाँ पे हूँ। 700 करोड़ के लिए फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस होगी, एक्सप्रेशन उन्हीं 500 के साथ होगा जिनके साथ मेरा जीना है। तो लव का मतलब है फीलिंग ऑफ बीइंग रिलेटेड टू एवरीबॉडी। आज के दिन क्या लगता है, कॉलेजों में यही पढ़ाया जा रहा है, जो बॉलीवुड में यही पढ़ाया जा रहा है, यही वाला लव पढ़ाया जा रहा है, या लव और लस्ट को मिक्स करके पढ़ा रहे हैं? तो जो बॉलीवुड में पढ़ा रहे हैं वो तो दोनों का मिक्सचर पढ़ा रहे हैं, है ना, तो एक हाइब्रिड तरीके से पढ़ा रहे हैं। ये जो लव है इसको भी ठीक ठीक समझना जरूरी है। आज के दिन जो लव के बारे में मानते हैं वो क्या है, आज तो कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट को, सेंसेशंस को या प्री कंडीशनिंग से ही लव को कंफ्यूज किया हुआ है। तो नेचुरल एक्सेप्टेंस वाला पार्ट देखें तो बच्चों में वो येलो वाला पार्ट है वो बहुत थोड़ा पार्ट है, ज्यादा पार्ट तो सेंसेशंस वाला है और एक बड़ा पार्ट प्री कंडीशनिंग वाला है। तो सेंसेशन का मतलब है कि लस्ट, गेटिंग फ्रॉम दी अदर, कंटिन्यूटी नहीं है इसमें। सेंसेशन के साथ इशू क्या है कि इसमें कंटिन्यूटी नहीं है, है ना। प्री कंडीशनिंग का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं हम दूसरे के मोह में आ गए, दूसरे से प्रभावित हो गए। तो जैसे ये मानते हैं लव एट फर्स्ट साइट, बाय दिस एज आई मस्ट हैव, है ना, इतनी गर्लफ्रेंड इतने बॉयफ्रेंड, ये भी मान्यता है प्री, है ना, लव के बारे में। कई बार ये भी मान्यता है कि मेरी तो एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है और उसकी तो इतनी सारी गर्लफ्रेंड है। तो ये इस तरह की मान्यताएं जो है ये कहीं ना कहीं इन्फैचुएशन है, कहीं ना कहीं सेंसेशन से आज। तो सेंसेशन और प्री कंडीशनिंग इनके साथ लव जो है वो मिक्स हो गया। आप ठीक से देखिए आपको नेचुरली एक्सेप्टेबल क्या है, राइट अंडरस्टैंडिंग के साथ, नेचुरल एक्सेप्टेंस के साथ लव को समझे, ताकि हर एक के साथ अपने जुड़ाव को महसूस कर सके, है ना, हर एक के प्रति एक जिम्मेदारी का भाव आ सके, कंटिन्यूटी की पॉसिबिलिटी हो सके, या सेंसेशंस और प्री कंडीशनिंग के साथ जोड़ के ही देखते रहे। तो ठीक से देखें आज तो जो चल रहा है समाज में, आज तो जो स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में चल रहा है वो तो सेंसेशन वाला चल रहा है, वो तो प्री कंडीशनिंग वाला चल रहा है। नेचुरली एक्सेप्टेबल क्या है, हम क्या चाहते हैं इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर्स, प्रोफेसर्स, हम सब फैकल्टी, कि हमारे बच्चे राइट अंडरस्टैंडिंग से, नेचुरल एक्सेप्टेंस से लव को समझें, या सेंसेशन और प्री कंडीशनिंग के कारण वो खराब होते रहे। एक ये रिपोर्ट अभी पिछले टाइम्स ऑफ इंडिया में आई थी और आप इसको देखिए, लव इज नंबर वन किलर इन 4 states। इसका मतलब ये है कि आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में और पंजाब में जो लव अफेयर्स के कारण मर्डर हुए वो पर्सनल वेंडेटा, है ना, पॉवर्टी, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, है ना, गेन, डॉरी, इन सब के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा है। तो इतने इतने संख्या में तो अभी भी जो है कोरोना से इतने लोग नहीं मरे जितने जो है इस लव को कंफ्यूज करने के कारण लोग एक दूसरे को गोली मार देते हैं। तो इसको समझना बहुत जरूरी है कि ये लव तो नहीं है, है ना। द फीलिंग ऑफ लव नीड्स टू बी अंडरस्टूड राइटली बाय ऑल, पर्टिकुलरली बाय यूथ। ये हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत सारे बच्चे मिस्टर फ्रेशर बनने के बाद जो है इस काम में ट्रैप हो जाते हैं और 4 साल तक आते आते 10-10, 15-15 सप्लियों को ढोते रहते हैं। तो क्या लगता है उनको लव समझ में आया, या कहीं ना कहीं सेंसेशन में फंस गए, कहीं ना कहीं प्री कंडीशनिंग में फंस गए? इसको भी हम महसूस कर सकते हैं। तो लव को देखने जाएं तो लव का मतलब है द फीलिंग ऑफ बीइंग रिलेटेड टू ऑल, ये कंप्लीट वैल्यू है। हर एक को संबंधी के रूप में स्वीकारने का भाव, यानी पूर्णता में रत होना, पूर्णता में डूब जाना, हर एक के साथ संबंधों में जो निहित रस है उनकी भावों की अनुभूति करना। तो इट ऑल स्टार्ट्स विद आइडेंटिफाइंग दैट वन इज रिलेटेड टू अदर ह्यूमन बीइंग, दिस इज अफेक्शन, एंड इट स्लोली एक्सपेंड्स टू द फीलिंग ऑफ बीइंग रिलेटेड टू ऑल ह्यूमन बीइंग्स, एंड देन टू ऑल, एंड देन टू ईच एंड एवरी यूनिट इन नेचर, ह्यूमन बीइंग एज वेल एज अदर यूनिट्स। तो प्रेम का मतलब है एक से शुरू करते हैं,
अनेक तक पहुंचते हैं और हर एक तक अपने साथ संबंधों को महसूस कर पाते हैं, ह्यूमन बीइंग्स के साथ भी, सभी के साथ और नेचर के साथ भी। तो हम प्रेम मिट्टी के साथ भी अपना संबंध देख पाते हैं, पानी के साथ भी अपना संबंध देख पाते हैं, पेड़ पौधों के साथ भी अपना संबंध देख पाते हैं, ये और आगे का काम है। तो फीलिंग ऑफ लव जो है, इसका जब एक्सप्रेशन देखने जाते हैं तो इसका एक्सप्रेशन दया के रूप में, कृपा के रूप में, करुणा के रूप में एक्सप्रेशन में आता है। फीलिंग इज फॉर ऑल, फीलिंग सभी के लिए हमारे अंदर हो जाती है, लेकिन एक्सप्रेशन उनके साथ होता है जो हमारे कॉन्टेक्ट में रहते हैं। तो फीलिंग और एक्सप्रेशन का ये डिफरेंस है। फीलिंग की कंटिन्यूटी है, फीलिंग की यूनिवर्सैलिटी है, एक्सप्रेशन जो है वो थोड़े समय के लिए है और थोड़े लोगों के साथ है। और ये जो लव है, यही फाउंडेशन है अनडिवाइडेड सोसाइटी का। तो लव को देखने जाए तो लव इज द फाउंडेशन ऑफ अनडिवाइडेड सोसाइटी। तो कैसा ठीक लगता है हमको ये जो हम बात कर रहे हैं, हर एक को अपने साथ अपना संबंध देख पाना, ये लव ठीक है, या जो आज के दिन बॉलीवुड में पढ़ाया जा रहा है ना, वो ज्यादा ठीक है। अब अगर इतना हमको विश्वास से लेके लव तक समझ में आ जाए, अब हम जस्टिस को भी समझ सकते हैं। तो जस्टिस का मतलब है इन नौ फीलिंग्स की पहचान होना। तो जस्टिस इज द रिकॉग्निशन, फुलफिलमेंट एंड इवेल्युएशन ऑफ ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप लीडिंग टू म्यूचुअल हैप्पीनेस। इसका मतलब ये है कि नौ फीलिंग का रिकॉग्निशन कर पाना, उनको अपने सेल्फ में एंश्योर करना और दूसरे के साथ एक्सप्रेस करना। जब दूसरा उस एक्सप्रेशन को समझ पाता है तो वो भी सुखी होता है, मैं भी सुखी होता हूँ, वो भी सुखी होता है, इससे म्यूचुअल हैप्पीनेस होता है। तो रिकॉग्निशन का मतलब ये है कि अनकंडीशनली एक्सेप्टिंग द रिलेशनशिप, एक्सेप्टिंग द अदर, फिर देयर फुल पॉसिबिलिटी विद देयर पोटेंशियल एंड विद देयर करंट लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस अभी कम हो सकता है, लेकिन उस आदमी का भी पोटेंशियल पूरा है, इस बात को पहचान पाना, फिर अपनी तरफ से उन फीलिंग को फुलफिल करना, और फिर जब दूसरा उसको देख पाता है, दूसरा उसको अप्रिशिएट कर पाता है, तो उससे वो भी सुखी होता है। तो जस्टिस का मतलब है फीलिंग, इन नौ फीलिंग्स को समझ पाना, अपने अंदर एंश्योर करना, दूसरे के साथ एक्सप्रेस करना, दूसरा जब उसको इवेल्युएट कर पाता है तो वो भी सुखी होता है कि हाँ, ए की तरफ से जो बी को फीलिंग का एक्सप्रेशन हुआ वो फीलिंग ठीक फीलिंग थी। ये जस्टिस का मतलब है। तो अगर ठीक से देखें, हारमोनी इन फैमिली को देखें, तो इतना सारा है। ट्रस्ट से शुरू करते हैं और लव तक पहुंचते हैं। तो जस्टिस का मतलब है इन सारी फीलिंग की पहचान पाना, इनका फुलफिलमेंट करना अपने अंदर भी और एक्सप्रेशन में भी, और दूसरों के साथ जब उनका इवेल्युएशन होता है तो वो भी सुखी होते हैं। तो ये है जस्टिस। क्या लगता है, जस्टिस जो है दो लोगों के बीच में होगा या अदालत में मिलेगा? अभी क्या मानते हैं, कोर्ट ऑफ जस्टिस, जस्टिस जो है वो अदालत में मिलेगा। जस्टिस अदालत में मिलेगा या दो लोगों को ही समझ के इंश्योर करना है? तो दो लोगों को ही समझ, तो जस्टिस जब भी होगा दो लोगों के बीच में ही होगा। तीसरा कभी भी आके कुछ करेगा तो वो पंचायत हो गई। तो हम इस बात को समझ सकते हैं कि लव जो जस्टिस जो है वो अदालत में मिलने वाली चीज है, या वो हमारे घर में, हमारे कॉलेजों में ही घटित होने वाली चीज है। अदालत, दो लोग झगड़ा हो गया हस्बैंड वाइफ का, अदालत कोर्ट चले गए और वकील ने तलाक करा दिया, ये जस्टिस हुआ या परमानेंट इनजस्टिस हो गया? तो ये तो परमानेंट इनजस्टिस हो गया है ना, पहले जो पॉसिबिलिटी थी वही खत्म हो गई। अब यही अगर दो लोग लड़ने के बाद इस वर्ष में आए होते तो कुछ संबंध की बात हो पाती, कुछ संबंध के बारे में समझ में आता, तो दोबारा इनिशिएट करके कुछ ठीक करने की कोशिश करते। अब ये अदालत में चले गए और इनका तलाक करा दिया, अब ये तो परमानेंट या न्याय हो गया, हम इसको न्याय मानते हैं। तो न्याय को भी जो है ना, हमको ठीक से समझना जरूरी है। एक बार न्याय हमको समझ में आ जाए, फिर हम अपनी फैमिली। यस सर जितेंद्र जी, सर जी सर, गुड मॉर्निंग सर, सच आई वेकनिंग सेमिनार सर। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि हमने एक्सीलेंस और कंपटीशन को अलग अलग बताया है, लेकिन क्या ऐसा हमेशा होगा कि एक्सीलेंस जो है वो कंपटीशन से अलग ही रहेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं कंपटीशन ने ही आज पूरी दुनिया का जो रूप है वो बदला है। तो क्या हम एक 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 स्मॉल अमाउंट कंपटीशन के साथ भी तो एक्सीलेंस को हासिल कर सकते हैं सर? मेरा थोड़ा सा ये कंफ्यूजन था सर। जी जी जी, सही बात है सर, आपका क्वेश्चन तो काफी जो है रेलेवेंट है। ये बात को हमको ठीक से समझना जरूरी है। एक बार ना हम इस बात को समझने की कोशिश करें कि ये जो कंपटीशन है, ये तो देखिए एक एग्जिस्टिंग रियलिटी है, ये जो चल रहा है ये है ना। अगर हम थोड़ा एग्जिस्टेंशियल रियलिटी, अगर हम इस कुदरत के नियमों को समझने की कोशिश करें, तो ये एग्जिस्टेंशियल रियलिटी में हमें नेचुरली एक्सेप्टेबल क्या है? हम कंपटीशन से जीना चाहते हैं या हम कोऑपरेशन से जीना चाहते हैं? चाहते क्या है, पहले चाहना की बात करते हैं। ये पूरा कैसे होगा वो सेकंड एस्पेक्ट है।
तो अगर हम अपने चाहना को देखने जाएं तो नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या है, कॉम्पीट करें या कोऑपरेट करें? तो चाहते तो हम कोऑपरेशन है, लेकिन कर क्या रहे हैं? तो कर तो कॉम्पिटिशन रहे हैं। अब ये देखें कि जो कॉम्पिटिशन कर भी रहे हैं, इस कॉम्पिटिशन को करते हुए हम तृप्त भी हो रहे हैं या नहीं हो रहे, है ना? अगर तृप्त नहीं हो रहे तो फिर क्यों कर रहे हैं, है ना? अगर घर में देखें तो घर में क्या होता है, घर में माँ जो बच्चे को खाना खिला रही है वो कॉम्पिटिशन से खिला रही है या पहले खिलाती है उसके बाद वो खुश होती है, बचता है तो फिर खाती है? तो जो घर में चल रहा है वो तो कोऑपरेशन से चल रहा है, लेकिन जब कॉलेज आते आते क्या है, मामला उल्टा हो जाता है, वहां पे कॉम्पिटिशन प्रधान हो जाता है ना? तो क्या है, अब ये कॉम्पिटिशन घर में भी हो सकता है, अगर घर में भी संबंध समझ में ना आए तो माँ बोलेगी पहले मैं खाऊंगी क्योंकि मैंने बनाया, फिर वो खाएगा आदमी जो कमा के लाया, फिर बच्चे ने तो ना कमाया ना बनाया तो वो तो बाद में ही खाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्या होता है कि जिसने बनाया भी नहीं है, जिसने कमाया भी नहीं है, वही पहले खाता है बच्चा, है ना? इसका मतलब क्या है, जो आदमी की नेचुरल एक्सेप्टेंस है वो तो खिला के खाने की है, लेकिन ये खिला के खाना तब हो पाता है जब हमको संबंध समझ में आता है, कोऑपरेशन समझ में आता है, नहीं तो हम छीन के खाते हैं। वही दो भाई हैं आपस में लड़ जाते हैं, जमीन के लिए झगड़ा कर लेते हैं। तो देखिए आज जो चल रहा है, आज जो सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ है ना, ये सिस्टम का डेवलपमेंट कोई बहुत नेचुरल एक्सेप्टेंस को समझ के हमने सिस्टम बनाए हैं, ऐसा नहीं है। आज के दिन तो जो सिस्टम बना रखा है वो तो ये है कि 10 आदमी को अगर ऊपर जाना है तो 10 लाख को अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो धीरे धीरे जब हम इन बातों को समझना शुरू करते हैं ना और डिटेल में, तो हम ऐसे सिस्टम बनाने शुरू करते हैं जो कॉम्पिटिशन को नहीं एक्सीलेंस को प्रमोट करते हैं, कॉम्पिटिशन को नहीं कोऑपरेशन को प्रमोट करते हैं। तो सिस्टमिक लेवल पे बदलाव होने में तो सर थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अगर ये बातें मुझको समझ में आ जाए तो कम से कम मैं तो कंपटीशन के दबाव से मुक्त हो सकता हूँ, मैं तो कोऑपरेशन के भाव से जी सकता हूँ। इतना काम तो सर इमीडिएटली 5 दिन में हो सकता है जी सर। और सिस्टमिक चेंजेस होंगे उसमें तो देखिए हम सब लोगों को ही कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो आज इवनिंग में एक प्रेजेंटेशन करेंगे जिसमें एक बेसिकली मॉडल कॉलेज के बारे में एक डायरेक्टर जनरल है, गाजियाबाद में एक कॉलेज है, तो उसकी इवनिंग में प्रेजेंटेशन होगी कि उन्होंने पिछले 10 साल में एक कॉलेज को मॉडल कॉलेज डेवलप करने में क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया, उसको वो शेयर करेंगे। तो मुझे लगता है कि वो सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा, तो आपको बहुत सारे इनपुट्स मिल सकते हैं। और कल भी एक हम प्रेजेंटेशन करेंगे जिसमें कॉलेज को पूरे संस्था को सिस्टम के लेवल पे रिलेशनशिप के आस्पेक्ट को कैसे प्रमोट कर सकते हैं उसको कल और करेंगे, तो उसमें और इनपुट मिलेंगे। एक छोटी सी बात और थी सर, जैसे एक्सीलेंस इज द कंप्लीटनेस ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग, तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एक्सीलेंस इज द कंप्लीटनेस ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड? सर वो जो है वो स्पेशलिटी है, वो जो एक फील्ड की बात है ना वो स्पेशलिटी है। तो जैसे मान लीजिए कि मुझे जो है सिविल इंजीनियर हो गया तो मुझे बिल्डिंग का डिजाइन बनाना आ गया, ये एक्सीलेंस नहीं है, बोलते तो रहते हैं लेकिन ये स्किल है, ये टेक्नोलॉजी है। लेकिन अगर मुझे ये समझ में ना आए कि बिल्डिंग बनाने का पर्पस क्या है, तो मैं करप्शन कर सकता हूँ, है ना? मैं बिल्डिंग में गलत मटेरियल भी लगा सकता हूँ। तो हम एक्सीलेंस को ये डिफाइन कर रहे हैं कि संपूर्णता की क्लैरिटी हो जाना, ये एक्सीलेंस है। या तो जो वो आप बात कह रहे हैं वो स्पेशलिटी है, वो स्किल है। तो या तो स्किल विद एक्सीलेंस होगा या स्किल विदाउट एक्सीलेंस होगा, दो केस हो सकते हैं सर। इसका मतलब तो एक्सीलेंस अपने आप में इतना वास्ट, जिसका हम कह सकते हैं कि है कि मतलब इसको प्राप्त करना मतलब वो तो पूरे जीवन का उद्देश्य प्राप्त करने के बराबर। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली सर, आपने एकदम बात को पकड़ लिया सर। जी थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। अंजू बत्रा जी जी, हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग सर, एम आई ऑडिबल? हाँ जी, नमस्कार सर। फर्स्ट ऑफ ऑल माई कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू दैट यू हैव टेकन अप सच अ ब्यूटिफुल टॉपिक विच इज वेरी मच रेलेवेंट दिस सिनेरियो। सर बेसिकली मेरा एक और थोड़ा सा रिक्वेस्ट ये है कि इफ द मोड ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी इंग्लिश एज वेल, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड हिंदी वेरी वेरी वेल and I am appreciating the way you are taking up all the topics in minute details and you are able to convey what you want to say. So one thing I want to know, mera ek chota sa ye doubt hai ki all these things, all these feelings in either personal relationship or our professional relationship, even though we know, we acquire, we implement
But if the other person, the other party is not ready to take up and respond in the appropriate manner, either these be students or these be our colleagues or these be our team leader, team members or relations as well. Once jug is ready to pour and mug is not ready to contain, then what to do, sir? जी जी ठीक बात है. तो देखिए मैम, ये एक्सप्लोरेशन हमको करना है कि अगर हमको ये 9 फीलिंग समझ में आ जाएं जी, तो विश्वास से लेके प्रेम तक, तो हम तो प्रेम के भाव से ही जीने लग जाते हैं. अब हमको ये समझ में आता कि कोई दूसरा है भी नहीं, सभी मेरे अपने हैं. ओके, तो अपने से अब क्या नाराजगी. अच्छा. ये बात पे जाके ना, हम इस फीलिंग की जगह में जाके हम खड़े हो जाते हैं. ये बात तो अभी हम देखिए शब्दों के माध्यम से कर रहे हैं, है ना, हम लॉजिक को भी यूज कर रहे हैं. लेकिन ठीक से देखें तो ये जो जर्नी करनी है, ये विश्वास से शुरू करके प्रेम की जगह तक जर्नी होनी है. जी सर. प्रेम की जगह में आके खड़े हो गए ना, तो अब नो अदर हो गया सिस्टम. अब ये दूसरा है भी नहीं कोई, ये मेरा अपना ही है. और अपने के केस में ये है कि उसकी इंटेंशन प्योर है, उसका पोटेंशियल भी है, उसका पर्पस और प्रोग्राम भी वही है, लेकिन उसको समझ में नहीं आया बिकॉज ऑफ हिज प्री कंडीशनिंग. तो जब मेरा कोई वो मेरा अपना ही है, तो अब जो है मैं क्या करूंगा, उसके साथ विरोध करेंगे या उसके फैसिलिटेशन का ही काम करेंगे? तो बेसिकली तो सर ये हो गया ना, सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ही हो गया. जी जी जी. तो मतलब हम आगे, वी आर नॉट दैट मींस रिस्पांसिबल फॉर द अदर पर्संस बिहेवियर, इसका मीनिंग ये हुआ? हाँ, हम उसके बिहेवियर के लिए रिस्पांसिबल नहीं है, लेकिन अब वो कुछ भी करता रहे और हम जो है हम रिस्पोंड नहीं करेंगे, ऐसा नहीं. हम रिस्पोंड तो करेंगे जी. लेकिन जो हमारा रिस्पांस होगा वो संबंध के आधार पे होगा जी. वो मेरे से जुड़ा हुआ है, मैं उसके साथ प्रेम के भाव में हूँ, इसके साथ जुड़ा रहेंगे और जितनी अपॉर्चुनिटी होगी, जितनी उस मेरी बातों को ग्रहण करने की पात्रता होगी, उतना हम इनपुट कर पाएंगे. दैट इज ग्रेट. बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा. तो दिस वॉज माई फर्स्ट टाइम टू अटेंड दिस टाइप ऑफ वर्कशॉप एंड आई एम रियली रियली एनलाइटेंड. तो पहले बात का मैम ये है कि अंग्रेजी में भी पैरेलल में वर्कशॉप चल रही है, जो वर्कशॉप एक आज खत्म हो रही है साउथ के लिए. अच्छा, तो आप अगली बार जिनको हिंदी समझ नहीं आती, एक्चुअली थोड़ा मेरा भी हाथ तंग है अंग्रेजी में. नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं. आप बहुत अच्छा, बहुत, यू आर अ वेरी गुड ओरेटर, बहुत अच्छे आप जो है कि भाई, यानी कि यू आर कन्वेइंग योर फीलिंग्स वेरी वेरी वेल. तो ऐसी कोई बात नहीं, हमारी मातृभाषा है हिंदी, तो आई कैन अंडरस्टैंड. बट फ्यू कलीग्स ऑफ माइन जो साउथ इंडिया से आते हैं, तो इंग्लिश वाले में भेज सकते हैं, तो वो भी हैं, वो हम आपको वो दे देंगे बेसिकली, है ना, इनविटेशन. तो आप उनको भी इनवाइट कर सकते हैं. सर एक और चीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे छोटी, कि आप लव के बारे में जैसे बता रहे, रेवरेंस और लव के बारे में जो आपने स्लाइड दिखाई थी, एक दिखाई थी आपने पाई चार्ट में यूथ के लिए जो बता रहे थे कि दे आर कंफ्यूजिंग बिटवीन लव एंड लस्ट. जी. तो ये हमारा जो हम जो इसे ग्रेटर स्केल पर करते हैं, तो लव हम उनको उनको उस लेवल के बच्चों को कैसे समझा सकते हैं? How can we, that means, communicate to them कि they have to purify their feelings? वही, तो देखिए क्या है, एक पूरा टीचिंग कम्युनिटी में अगर ये बात ठीक से चली जाए ना जी, अगर टीचर टीचर का जो आपस का रिएक्शन है वो शांत हो जाए जी, टीचर कोलीग का और HOD के साथ, अगर सारे एक पूरे टीचिंग कम्युनिटी जो है, अगर एक कॉलेज की बात करें तो अगर उसमें 5-10 लोग जो है संबंध के भाव से जीने लगे जी, तो बच्चे उस बात को देख पाएंगे कि ये तो एक परिवार है पूरा, ये सारे टीचर जो हैं. आज तो संघर्ष जो है, टीचर टीचर में संघर्ष चला हुआ है ना. जी सर, जी सर. सारे कॉलेज ऐसे हैं, एक टीचर दूसरे टीचर के ऊपर RTI फाइल करके रखता है ना, कोर्ट केस करके रखते हैं. इसके साथ तो देखिए बच्चा नहीं समझेगा जी, है ना जी, जी. लेकिन अगर एक टीचर समझ जाए और हाँ. एक टीचर के साथ अगर कुछ टीचर का संबंध ठीक हो जाए जी, जी. तो जो बच्चे क्रॉस रेफरेंस भी देखते हैं ना, कि ये टीचर भी क्या पढ़ाते हैं, वो टीचर क्या पढ़ाते हैं, तो दोनों का मैच करता है, तो बच्चे के अंदर री इन्फोर्समेंट होता है कि सही बात को ही प्रमोट किया जाता है कॉलेज में. ओके. But we should set examples, rather, first of all. भाई, we should become an example. Should की बात भी नहीं, अगर हमको लगता है ये बातें natural हैं, ये हमारे होनी जरूरी हैं मेरे अंदर, तो मेरे अंदर हो जाती है ना, तो उसका फैलाव एक कुदरती ढंग से होता रहता है धीरे धीरे. जी सर, जी सर, बहुत अच्छा. थैंक यू, that is very great. Thank you so much. Thank you. जितिन भैया. जी भैया. ब्रेक कर ले. जी जी भैया, ब्रेक कर लेते हैं और आने के बाद, एक्चुअली काफी सारे हैंड रेज हैं, आने के बाद कर लेते हैं, फिर सोसाइटी वाले पे बात कर लेंगे ना. हाँ, तो 12 बजे आ जाते हैं हम लोग. जी, 12 बजे आ जाते हैं. जी ठीक है, अभी हम लोग ब्रेक कर रहे हैं, हम लोग 12 बजे फिर से सेशन को स्टार्ट करेंगे. तब तक आप लोग चाहें तो गिव ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, छोड़ दें इसको म्यूट करके. थैंक यू.
तो मैं थोड़े से उसमें जब तक और लोग कनेक्ट हो रहे हैं तब तक कुछ अपने अनुभव और शेयर कर देता हूं अगले 7-8 मिनट में। पूरी बात को देखें तो कल की चर्चा जो रही वो विश्वास और सम्मान पे चर्चा रही। विश्वास और सम्मान को अगर दो लाइनों में देखा जाए तो इस रूप में देख सकते हैं, विश्वास को इस रूप में देख सकते हैं कि हम ये देख पाए कि संबंध में जिस तरह से मेरा चाहना और करना अलग अलग है वैसे ही दूसरे व्यक्ति का चाहना और करना अलग अलग है। तो चाहना हम दोनों का एक जैसा है, सुखी होकर दूसरे को सुखी करना। योग्यता हम दोनों की जितनी होती है उसमें उतने सफल होते हैं, जितनी कम पड़ती है उतने असफल होते हैं। तो योग्यता कम पड़ने का मतलब ये नहीं है कि किसी का चाहना ही ठीक नहीं है। तो चाहना का मूल्यांकन अलग होना और योग्यता का मूल्यांकन अलग होना, ये बात अपने को स्पष्ट हो जाए तो दोनों को अलग अलग इवेल्युएट करके दोनों के बारे में निष्कर्ष बना पाते हैं और फिर सही मायने में हम विश्वास कर पाते हैं। चाहने पर विश्वास, उसके आधार पर फिर योग्यता का आकलन, फिर योग्यता पर विश्वास। ये दोनों विश्वास बनने के आधार पर अपने में तय हो पाता है कि ये व्यक्ति का चाहना ठीक है, इस काम का करने का योग्यता है, परिस्थितियां ठीक रही तो ये व्यक्ति कर लेगा, तब जाकर के वो विश्वास का निर्वाह ठीक से हो पाता। ऐसा बात विश्वास की चर्चा में आया था। एक बार जब विश्वास पर ध्यान बन जाता है ये बातें स्पष्ट हो जाती हैं कि चाहना मेरा और दूसरे व्यक्ति का एक जैसा है। अब उसके आधार पर जब सम्मान को देखने जाते हैं तो वहां सही आकलन की बात चर्चा में आई कि हम सही सही आकलन कर पाते हैं दूसरे व्यक्ति का। तो जब सही सही आकलन करने जाते हैं तो ये दिखता है कि दूसरे व्यक्ति का लक्ष्य मेरे जैसा है, वो भी मेरी तरह से सुखी समृद्ध होना चाहता है। दूसरे व्यक्ति का कार्यक्रम भी मेरे जैसा है, वो भी सही समझ के सही जी के सुखी हो सकता है। दूसरे व्यक्ति के पास पोटेंशियल भी मेरे जैसा है कि कल्पनाशीलता उसकी निरंतर मेरे तरह चलती रहती है, जिसका प्रयोग करके वो सही को समझ सकता है, सही को जी सकता है, अर्थात इन तीनों के आधार पर वो मेरे जैसा है। तो दूसरे व्यक्ति का चाहना मेरे जैसा है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो दूसरा व्यक्ति मेरे जैसा है मिनिमम इतना देख पाते हैं, जो ये आकलन कर पाते हैं, इसको सम्मान कहा। योग्यता कम ज्यादा हो सकती है, योग्यता कम है तो हम उससे समझने को तैयार हैं, योग्यता अधिक है तो उसके साथ हम जीने जिम्मेदारी उसके साथ जिम्मेदारी से जीते हुए उसका सहयोग करने को तैयार। इतनी बात विश्वास और सम्मान में कल हुई थी, जिसको कल उमेश भैया ने रखा था, आज सुबह उसको रिकैप भी किया। अब इतने के साथ जब एक बार किसी के साथ ये दो बातें दिख जाती हैं, विश्वास और सम्मान की, तब जाकर के तीसरा भाव कंटिन्यूएशन में स्नेह के रूप में पनपता है, अर्थात हम उसको संबंधी के रूप में स्वीकार पाते हैं। तो जो दूसरे को संबंधी के रूप में स्वीकारने का भाव है उसको स्नेह कहा। सामान्यतः जब हम दूसरे को संबंधी के रूप में नहीं स्वीकार पाते या कुछ क्षण स्वीकारते हैं कुछ क्षणों पर नहीं स्वीकार पाते तो स्नेह की जगह द्वेष आ जाता है। अभी ये मुख्य बात मुझे लगती है स्नेह के भाव में कि हम ठीक से जांच के देख लें हर पल हर क्षण परिवार में अवेयर रहते हुए कि मेरे में द्वेष का भाव तो नहीं है अपने ही परिवार के लोगों के लिए, अपने ही संबंधियों के लिए। थोड़ा कठिन है अपने में झांक करके ये देखना कि कहीं द्वेष का भाव तो नहीं है, कैसे उसको देखा जाए। तो मुझे लगता है कि मैं एक छोटा एग्जाम्पल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ जिससे इस बात पर ध्यान जा सकता है। हम लोग यहाँ कानपुर में एक फैमिली वर्कशॉप प्लान किए थे, ठीक ऐसे ही जैसे आप लोग का वर्कशॉप चल रहा है वैसे हम लोग फैमिली वर्कशॉप समय समय पर समर विंटर में प्लान करते हैं, जिसमें लोग विद फैमिली आते हैं, 10 दिन 8 दिन साथ रहते हैं और पूरा वर्कशॉप फैमिली के साथ बहुत ओपन एनवायरमेंट में चलता है। और हम लोग आज तक जितने भी तरह के वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं उसमें इस तरह के जो फैमिली वर्कशॉप होते हैं वो सबसे सफल वर्कशॉप होते हैं, क्योंकि जिन लोगों को आपस में प्रैक्टिकल करके जीना है वो नियम को समझने के लिए सब एक साथ एकत्रित होते हैं, उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस आते हैं। तो ऐसे एक वर्कशॉप कानपुर में ऑर्गेनाइज कर रहे थे कुछ वर्ष पहले, तो एक चेन्नई से फैमिली आई हुई थी उस वर्कशॉप को करने। तो ड्यूरिंग द वर्कशॉप जब वो लोग पहुंचे डे वन पे, मतलब एक दिन पहले बिफोर आ गए थे वो, तो हस्बैंड वाइफ थे, उनके दो बच्चे थे, बेटी थी एक और एक बेटा था छोटा, बेटी 7 साल की रही होगी, बेटा उससे थोड़ा छोटा था, 5 साल का, 4.5 साल का रहा होगा, बेटे का नाम देवव्रत था। तो जब लोग आए तो जो वर्कशॉप लेने वाले थे तो उनके मदर ने, उनके फादर ने उन बच्चों के, जो वर्कशॉप लेने वाले थे उनसे बात की और कहा कि हम लोग अपनी बड़ी बेटी के जो व्यवहार में बहुत रिएक्शन देख रहे हैं, बहुत रिफ्लेक्शन देख रहे हैं पिछले 2.5-3 साल से, मतलब आप इस बात का आइडिया लगा सकते हैं उसके रिएक्शन का लेवल क्या होगा कि चेन्नई से कानपुर तक वो आई है और पूरे समय उसने कोई चर्चा किसी ने नहीं की, या तो सोई रही है या विंडो के पास खड़ी रही है, घर में भी ऐसी स्थिति है, बात नहीं करेगी, कोई सामान दे तो फेंक देगी, तोड़ देगी, बहुत इरिटेटेड रहती है।
हम लोग कई बार जानने की कोशिश किए लेकिन पता नहीं चलता है, अगर आप लोग थोड़ा बातचीत करके पता चले कर पाए तो शायद अच्छा रहेगा। तो जो वर्कशॉप ले रहे थे हम लोग के टीचर हैं प्रोफेसर गणेश जी, उन्होंने एक दिन उस लड़की को बुलाया, उससे पूछा कि क्या हो गया, तुम क्यों इतना परेशान रहती हो। तो सामान्यतः तो उसने बहुत कुछ नहीं कहा उस दिन, बट एक आध दिन में जब वो कंफर्टेबल हो गई तब उसने कहा जब चर्चा में कि मेरे मम्मी पापा जो है ना वो मेरे भाई को ज्यादा मानते हैं, मुझे नहीं मानते, और ये बात मैं पचा नहीं पाती। जबकि पहले ऐसा नहीं था, 2 साल 2.5 साल 3 साल पहले मुझे अच्छे से मानते थे, अभी भाई को मानते हैं मुझे नहीं मानते, और ये मेरे लिए एकदम असहनीय स्थिति जैसी हो जाती है। तो जो टीचर थे गणेश जी, उन्होंने पूछा उनसे कि तुमको क्यों लगता है कि तुम्हारे भाई को ज्यादा मानते हैं तुमको नहीं मानते। तो उसने कई सारे एग्जाम्पल गिना दिए कि पहले घर में कोई भी आता था सबसे पहले मुझे ढूंढता था, अभी कोई भी घर में आता है तो सबसे पहले देवव्रत को ढूंढता है, फिर मेरे तो ध्यान गया तो मेरे बारे पूछेगा नहीं तो नहीं पूछेगा। घर में कोई खाने की चीज आ रही है सबसे पहले मुझे ऑफर होता था पहले, अब देवव्रत को ऑफर होता है, अगर वो सारा ले लेगा तो मुझे नहीं मिलेगा, अगर उसने उसमें से कुछ छोड़ दिया तो वो मुझे मिलेगा। घर में अगर कोई 2 खिलौने लेके आ रहा है और उसे ऑफर करता है पहले, वो ले लिया तो दोनों ले लिया तो नहीं मिलेगा, एक पीस बच गया तो मिलेगा। मैं बहुत इग्नोरेंट फील करती हूँ। उसने ऐसे कई सारे उदाहरण गिना दिए जिससे उसने ये बताने की कोशिश की कि उसने कैसे कंक्लूड किया है कि उसके मम्मी पापा उसको नहीं मानते, छोटे भाई को ज्यादा मानते। तो गणेश ने कहा ठीक है, तुम्हारे मम्मी पापा जो तुम्हारे साथ कर रहे हैं ये ठीक है कि गलत है, इसके बारे में तो मैं तुम्हारे मम्मी पापा से बात करूंगा, अभी तो मैं तुमसे सिर्फ इतना बात करना चाहता हूँ कि तुम जो अपने छोटे भाई के साथ कर रही हो वो क्या है, उसको मैं स्नेह कहूँ कि द्वेष कहूँ। तो लड़की थोड़ी चुप हो गई। तो गणेश जी ने उससे पूछा, थोड़ा हेल्प किया उसका, कि जिसको आप सम्मान करते हैं है ना, जिसको आप मान देते हैं सम्मान करते हैं, बाकी लोग भी उसका मान सम्मान करने लगे तो अच्छा लगेगा कि खराब लगेगा। जिसके ऊपर आपका विश्वास है, परिवार के और सदस्य भी का विश्वास भी उसके ऊपर बढ़ने लगे तो ये आपको अच्छा लगेगा कि खराब लगेगा। तो सामान्यतः जब स्नेह रहता है, संबंध की स्वीकृति रहती है ठीक से, तो ये पता लगता है कि जिसका हम मान सम्मान कर रहे हैं, जिसके ऊपर हमारा विश्वास है, अगर परिवार के और लोगों का मान सम्मान विश्वास स्नेह उसके ऊपर बढ़ रहा है तो अपने को अच्छा लगता है। लेकिन अगर ये किसी का मान बढ़ रहा है, किसी का विश्वास बढ़ रहा है और लोगों का उसके ऊपर, और हमको खराब लग रहा है, तो हम उसको स्नेह कहें कि द्वेष कहें। लड़की थोड़ी चुप हो गई, चली गई। एक आध दिन काफी गुमसुम रही, तो बहुत हिम्मत करके आके एक दिन उसने गणेश जी से बोला कि मैं जो अपने भाई के साथ कर रही थी वो द्वेष था। अब बड़ा कठिन है इस बात को स्वीकारना कि हम अपने ही परिवार में अपने ही भाई के प्रति, अपने ही बहन के प्रति, अपने ही पत्नी के प्रति, अपने ही सदस्यों के प्रति द्वेष से भर जाते हैं। आप देखिए ना, कॉलेज में 2 दोस्त 3 साल बहुत अच्छे से रहते हैं, फाइनल ईयर में आके एक की जॉब 50,000 की लग जाए, एक की जॉब 30,000 की लगे, तो देखिए द्वेष का क्या लेवल होता है। छोटे भाई की नौकरी बड़े भाई से थोड़ा ज्यादा पैसे की लग जाए तो देखिए 2 भाइयों में द्वेष का क्या लेवल हो जाता है। आजकल तो पति पत्नी दोनों ही जॉब करने लग गए हैं, कहीं पत्नी की सैलरी पति की सैलरी से थोड़ी ज्यादा हो जाए तो देखिए द्वेष का क्या लेवल होता है। तो जो स्नेह द्वेष है बाहर तो बाद में देखने की जरूरत है, मुझे लगता है अपने घर में, अपने परिवार में, अपने में पहले देखने की जरूरत है कि छोटी छोटी चीजों से अपने अंदर यह द्वेष तो नहीं भरता जा रहा है। और सामान्यतः बहुत छोटे उम्र से बच्चों में भरता चला जाता है द्वेष, फिर दो भाई दो बहन बहुत दूर हो जाते हैं है ना, और बड़े एज में भी आके भरता है तो बहुत दूर हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बारीक बात है इस बात को जांचना अपने में कि मैं स्नेह से भरा हूं कि मेरे में द्वेष है ना। एक बार दिख जाए द्वेष है तो देखिए कोई भी सांप बिच्छू अपने भीतर अपनों के लिए तो पालना नहीं चाहता, वो तभी तक पाल के रखता है जब तक कि उसको दिखा नहीं है। और यही गड़बड़ है कि हमको लगता रहता है कि हमको स्नेह है और दूसरे का मान सम्मान विश्वास बढ़ने पे हम पीड़ित भी होते रहते हैं। ये दोनों बात एक साथ नहीं हो सकता कि हमको स्नेह भी हो और दूसरे का मान सम्मान बढ़ने से हमको पीड़ा भी हो ना, दूसरे की उपलब्धियां बढ़ने से हम पीड़ित भी हो, ये दोनों एक साथ नहीं होने वाली घटना। अगर ये पीड़ा बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं स्नेह की जगह द्वेष है, या कम से कम उस स्नेह में कंटिन्यूटी तो नहीं। तो ये एक बारीक बात है जिसको मैं ध्यान आकर्षण कराना चाह रहा था इस चर्चा के संदर्भ में। थोड़ा और आगे बढ़े तो एक बार जब हम किसी को संबंधी के रूप में स्वीकार लेते हैं तो अब जिस तरह से मेरे में मैं और शरीर दोनों है, उसी तरह से संबंधी में भी मैं और शरीर दोनों है। तो संबंधी के शरीर के प्रति जो जिम्मेदारी का भाव है उसको ममता के रूप में हम लोगों ने अध्ययन किया,
हर संबंधी के मैक को समझदार जिम्मेदार बनाने का जो भाव है उसको वात्सल्य के रूप में हम लोगों ने अध्ययन किया है। अगर देखेंगे इसमें तो माँ को देखेंगे तो माँ भोजन बनाती है तो पहले खुद नहीं खाती, बच्चे को खिलाती है फिर खुद खाती है। ये माँ का बच्चे के प्रति ममता का भाव है। रात में सोते हुए छोटा बच्चा अगर बिस्तर गीला कर देता है किसी कारणवश माँ नहीं उठ पाती तो अपने को गीले में सुला लेती है और बच्चे को सूखे में सुला देती है। ये बच्चे के प्रति माँ के ममता का भाव है। ये ममता का भाव अगर माँ बच्चे में ट्रांसफर कर पाती है धीरे धीरे तो एक समय के बाद बच्चा बड़ा हो जाता है, माँ बूढ़ी हो जाती है, तो वही ममता का भाव अब बच्चा माँ के प्रति रिफ्लेक्ट कर पाता है। पत्नी खाना लेके आती है तो खाने का पहला निवाला जैसे ही अपने मुंह में डालता है गले उतरने से पहले ही ध्यान आता है मेरी माँ ने खाना खाया कि नहीं खाया, तो खाने से पहले ही पूछता है कि माँ ने खाना खाया कि नहीं खाया। वही ममता का भाव अब बच्चे में माँ के लिए आ गया। बाजार जाता है बहुत सारा सामान खरीदने पत्नी की दी हुई लिस्ट लेकर के, दुकान पे पहुंचते ही सारी लिस्ट को कैलकुलेट करते ही उसको ध्यान आता है कि माँ की दवाइयां गई कि नहीं गई। तो वही ममता का भाव जो बच्चे में था माँ के लिए एक समय, माँ उसको निभाते निभाते अगर ये भाव बच्चे में पैदा कर पाती है तो बच्चा भी उस भाव से भर जाता है। तो ममता का भाव सिर्फ माँ में ही होगा ऐसा नहीं है, बच्चे में भी हो सकता है माँ के लिए, पति में भी हो सकता है पत्नी के लिए, पत्नी में भी हो सकता है पति के लिए। ये एक दूसरे के शरीर के केयर का जो भाव है ये ममता का भाव है। लेकिन अगर माँ में ही ममता का भाव ठीक से समझ में ना आए तो बच्चे को खिला खिला के बीमार कर देती है ना, तो इतना खिलाती हो खा खा के बीमार हो जाता है, जितना पचा नहीं पाता उससे अधिक खिलाती है। अब ये ममता के भाव का निर्वाह नहीं, ये तो ओवर इवैल्यूएशन है, उसके ऊपर अत्याचार है। थोड़ा सा और फैला के देखते हैं, ऐसे वात्सल्य का भाव है तो बच्चे को कभी भी पिताजी पार्क घुमाने ले जाते हैं तो बच्चे को देखेंगे तो सैकड़ों प्रश्न पूछता है पिताजी से। पिताजी बहुत धैर्यपूर्वक उस प्रश्नों का जवाब देते रहते हैं, कई बार तो एक ही प्रश्न को 10-10 बार पूछता है, वो 10 बार जवाब देते रहते हैं। मतलब पिताजी नहीं थक जाते हैं, बच्चा प्रश्न पूछने से नहीं थकता इतने प्रश्न, क्योंकि पिताजी देख देख के खुश होते रहते हैं कि मेरा बच्चा समझदार हो रहा है, जिम्मेदार हो रहा है। तो ये वात्सल्य के भाव का निर्वाह है। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो जाता है, वो दुनिया ज्यादा देख लेता है, वो जब लौट के घर आता है तो पिताजी को वात्सल्य का भाव दे पाता है कि पिताजी ये काम ऐसे नहीं ऐसे होगा तो ज्यादा अच्छा है ना, इस काम को ऐसे किया जाए तो ज्यादा अच्छे से हो सकता है। तो वही वात्सल्य के भाव का वो निर्वाह कर पाता है। अगर ये वात्सल्य का भाव पिताजी बच्चे में नहीं डाल पाए समय रहते तो बुढ़ापे तक आते आते अगर पिताजी ने 4 बार पूछ ली कि मेरी दवाई कहाँ रखी है मैं भूल गया, इतने में वो इरिटेट होकर ब्लास्ट हो जाता है। मेरा चश्मा कहाँ रखा है 4 बार अगर बुढ़ापे में पिताजी ने पूछ लिया, इतने में बच्चा ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन अगर वो वात्सल्य का भाव है तो वो भी पिताजी की तरह 10 बार उनके प्रश्नों का जवाब दे पाता है और उस भाव का निर्वहन कर पाता है। तो धीरे धीरे ये बात ध्यान में आती है कि ममता वात्सल्य दोनों घर में निर्वाह होने वाला हर पल हर क्षण, बाहर भी निर्वाह होने वाला हर पल हर क्षण एक भाव है। अभी क्या समस्या हो गई अगर हम अपने परिवारों को देखें, जैसा उमेश जी पूछ रहे थे और आप लोगों के उत्तर भी आए थे कि अभी हम ज्यादातर समय बच्चे के ऊपर ममता लुटाने में लगा रहे हैं या वात्सल्य को भी निभा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि ममता को लुटाने में तो हम बहुत ज्यादा फोकस हो गए हैं, वात्सल्य हमने ट्यूशन पढ़ाने वाले टीचर को और स्कूल को एक मोटी फीस दे करके उसकी जिम्मेदारी पर ठेकेदारी दे दी है ना, कि ट्यूटर इस वात्सल्य के भाव को पूरा करे, स्कूल वाले पूरा करे, और क्या वो भाव पूरा हो पा रहा है ना? या दोनों भाव को पूरा करना आवश्यक है। बहुत सारे उदाहरण है आजकल, हमको लगता है कि हम बच्चे का बेहतर भविष्य बनाने के लिए है ना, उसके वात्सल्य के भाव के निर्वहन के लिए हमने उसको हॉस्टल में डाल दिया 4 साल 5 साल 6 साल 8 साल के बच्चों को, उसका वहां बेहतर विकास होगा है ना, क्रंच में डाल दिया तमाम तरह का, क्या वहां पर वात्सल्य के भाव का ठीक निर्वहन हो पा रहा है? अगर ये सूखे हुए भाव के साथ बच्चा जब पलता है तो एक उम्र में आकर वो भी माँ बाप के लिए कहता है कि इनको भी हॉस्टल में डाल दो, वहां इनका बेहतर समय कटेगा, कहाँ ये हमारे साथ झिकझिक को झेलते रहेंगे। इसी कारण शायद हमारे शहरों में ये ओल्ड एज होम बढ़ते जा रहे हैं, वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे हैं। और अगर ठीक से देखें, हमारा लॉजिक अगर ये स्ट्रांग है कि बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए हम ये हॉस्टल में डाल रहे हैं, तो बच्चे के भी इस लॉजिक को कैसे गलत फैला सकते हैं जब वो ये लॉजिक लगाएगा कि वो हम अपने माँ बाप को उनके बेहतर भविष्य के लिए हॉस्टल में डाल रहे हैं क्योंकि वहां इनके जैसे उम्र के लोग हैं, इनका समय कट जाएगा, यहाँ कहाँ अकेले बैठ के पत्थर फोड़ते रहेंगे। तो धीरे धीरे दिखता है कि अगर हमको ओल्ड एज होम में अपने बेहतर भविष्य को देखना है तो बहुत सुखी जिंदगी है, सुविधाएं चाहे कितनी भी हो। बच्चों को भी इस तरह के जो है शुरुआती दिनों में जो हम डाल दे रहे हैं है ना, वहां भी बहुत सारा भाव से सूखापन जिंदगी उनको जीना पड़ रहा है,
तो भाव का जो रुखापन हो जा रहा है, वात्सल्य के भाव का ठीक से निर्वहन नहीं हो पा रहा, ये परिवारों के दूरियों के बढ़ने में बढ़ने वाले दूरियों का एक महत्वपूर्ण कारण है। थोड़ा और फैला के देखे ना, तो आज के दिन अगर हम वात्सल्य के भाव का निर्वहन करने के लिए बहुत ज्यादा अगर प्रेरित भी होते हैं तो क्या करते हैं, उनको पकड़ के बिठाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश हिंदी ये सब पढ़ाते हैं, स्कूल वाले भी यही पढ़ाते हैं। ये संबंध में भाव का निर्वहन कैसे होगा, व्यवहार कैसे निभेगा, कैसे हमको विश्वास को समझना है, कैसे सम्मान को समझना है, कैसे उसको परिवार में अभ्यास करना है, इस पर क्या हम परिवार में बच्चों के साथ चर्चा कर पा रहे हैं, क्या स्कूल वाले चर्चा कर पा रहे हैं, या दोनों से छूट जा रहा है। शिकायत दोनों को है, जैसे हम टीचर भी देखेंगे ना, जब बच्चों के ऊपर हमारा कोई बस नहीं चलता तो अंत में एक ही उपाय दिखता है कि इनके माँ बाप को बुला के इनकी शिकायत करो कि तुम्हारा बच्चा व्यवहार ठीक नहीं कर रहा। माँ बाप भी जब पीड़ित होते हैं तो उनको भी एक ही उपाय दिखता है, चल के इनके टीचरों से शिकायत करो। तो बच्चे के अंदर जो व्यवहार में त्रुटियां हो रही हैं उसकी पीड़ा हम भी भोग रहे हैं, माँ बाप भी भोग रहे हैं, दोनों भोग रहे हैं। लेकिन वो पूरा कैसे होगा, मतलब अगर मैं एक छोटा सा उदाहरण शेयर करूं इस बात से संबंधित, मैं कॉलेज में पढ़ाता हूं, एक बार मैं अपने केबिन में बैठा हुआ आता था, एक दूसरे टीचर साथ ही क्लास पढ़ा के आए, आकर के उन्होंने मेरे टेबल पे अपना रजिस्टर बहुत जोर से पटका, बहुत सारा चौक का डस्ट था उड़ के मेरे चेहरे पे आया, मुझे लग गया कि आज क्लास में किसी बच्चे ने उनके साथ जरूर कुछ कह दिया है। तो मैंने उनसे पूछा क्या हो गया सर, ऐसा क्यों परेशान है? बोले मुझे इस बात की बिल्कुल शिकायत नहीं है कि बच्चे पढ़ाई लिखाई में कमजोर है, माँ बाप ने भेजा ही यहाँ पर और मेरा काम है पढ़ाना, लेकिन कम से कम माँ बाप इनको इतना तो सिखा के भेजें कि टीचर के साथ टीचर के जैसा व्यवहार करें। कितनी पीड़ा होती है जब रात को 4 घंटे 5 घंटे जग के नोट्स बनाता हूँ, 5 किताबें पढ़ के तैयार होके जाता हूँ, और पढ़ना तो दूर, वो मुझे टीचर की तरह स्वीकार भी नहीं रहे, भाव भी नहीं दे रहे हैं ठीक, कम से कम टीचर की तरह स्वीकारे तो, ये दुर्व्यवहार क्यों कर रहा है मेरे साथ क्लास में। हमने कहा सर टीचर की पीड़ा तो टीचर ही समझ सकता है, चलिए परेशान ना होइए, चाय वाय पीते हैं, इनमें से जब कुछ टीचर बनेंगे तब समझ में आएगी टीचर होने का के साथ ऐसे दुर्व्यवहार का क्या पीड़ा होता है। खैर बात खत्म हुई, चाय वाय पिया हम लोगों ने, कुछ दिन बीते हैं, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पास में कॉलोनी है, मैं अपने एक मित्र के यहाँ मिलने गया था, शाम का समय था, मिल के लौट रहा था, तो मेरा थर्ड ईयर का स्टूडेंट उसी कॉलोनी में मिल गया। उसने कहा सर आप मेरे ही कॉलोनी में आए, मेरा घर पास में है, चलिए। तो मैंने कहा तुम बहुत बहादुर मालूम होते हो, आजकल के बच्चे तो ये प्रयास करते हैं कि टीचर और माँ बाप ना मिलें तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन तुम ये हिम्मत कर रहे हो मिलाने का, चलो मैं चलूंगा, जरूर बातचीत करूंगा। मैं गया उनके पिताजी के साथ बैठ के चाय पीने लगा, पिताजी बहुत संतुष्ट थे अपने बच्चे से, कहने लगे कि भाई हम बहुत ज्यादा धन दौलत तो बच्चों को नहीं दे पाए, कम से कम अच्छा संस्कार देने का हमने प्रयास किया है। हमने भी उनकी बात में सहमति जताई कि भाई आपका बच्चा 3 साल से हमारे यहाँ है, पढ़ाई में भी अच्छा है, व्यवहार का भी आज तक कोई चूक नहीं है, आप जो कह रहे हैं मैं उस बात से संतुष्ट हूँ। ये सब चर्चा हम लोग की चल रही थी, उसी दौरान उनका छोटा बेटा कहीं से खेल कूद के लौटा साइकिल से, और घर का जो छोटा आंगन था उसमें उसने दीवार पे साइकिल को बड़ी जोर से मारा, फेंक दिया ऑलमोस्ट, और खेल कूद में कुछ हो गया होगा ऐसा, वो इरिटेटेड बड़बड़ाता हुआ वो ड्रॉइंग रूम के अंदर से होता हुआ घर में गया, वही रास्ता था, तो ट्रेल के उस साइड पिताजी बैठे थे, इधर मैं बैठा था, बीच से वो बड़बड़ाता हुआ निकल के चला गया, जो भी अपशब्द बोल रहा था लोगों के प्रति। पिताजी को अपेक्षा थी कि बड़े भाई का टीचर आया तो कम से कम कुछ नहीं तो नमस्ते तो बोलेगा, वो नमस्ते तो छोड़िए अपने, उसने पिच भी स्लो नहीं की, और ये सारी घटना तब घटी जब पिताजी संस्कारों की बात कर रहे थे। पिताजी बेचारे बड़े एम्बैरेसिंग हुए, 11th में पढ़ता था उनका बच्चा, बोले देखिए इस बच्चे को पढ़ाने में मैं 60-65 हज़ार रुपये सालाना खर्च कर रहा हूँ, इसके स्कूल वाले इतना भी नहीं सिखाते कि घर में आए लोगों के साथ माँ बाप के साथ व्यवहार कैसे किया जाए। जब दोनों घटनाओं को जोड़ता हूँ, टीचर की कही गई बात, माँ बाप की कही गई बात, तो ये तो दिखता है कि बच्चे का व्यवहार ठीक नहीं है, इस बात की शिकायत माँ बाप को भी है टीचर को भी, बट इस बच्चे का व्यवहार ठीक हो जाए, उसके लिए भाव ठीक हो जाए, उसके लिए भाव समझ जाए, उसके अभ्यास कराने का हम अवसर दे पाए, इसका प्रयास ना हम स्कूलों में करते हुए दिखते हैं और ना घर में। हमारे माँ बाप दादा दादी स्कूल ये सब होने के बावजूद भी भाव के आधार पर देखने जाए, भाव की शिक्षा को लेकर के देखने जाए, भाव के वात्सल्य को लेकर देखने जाए, तो हमारे आजकल के बच्चे तो भाव की शिक्षा के मामले में अनाथों की तरह पलने के लिए मजबूर है। उसके लिए ना हमारे पास समय है ना स्कूलों के पास समय है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो ये तो हम खूब दे रहे हैं, जरूरी भी है देना समृद्धि के लिए, उसके सुविधा की आवश्यकता को पूरा होने के लिए जरूरी भी है, बट मुझे लगता है ये भाव का शिक्षा, भाव का समझ, भाव का व्यवहार, भाव का प्रैक्टिस भाव के आधार पर, ये सब भी अगर हम परिवारों में दे पाए, स्कूलों में दे पाए, तो इसकी अतृप्ति जो माँ बाप महसूस कर रहे हैं, बच्चे महसूस कर रहे हैं, वो पूरा हो पाएगा। अच्छा आप सोचिए ना, अगर बच्चे को ये सारे भाव की शिक्षा मिल ही नहीं रही है तो बच्चे का रिएक्शन व्यवहार में बढ़ेगा कि घटेगा? हम सभी जो पुराने शिक्षक 20 साल से पढ़ा रहे हैं,
हम अपने 20 साल को इवेलुएट करते हैं तो देखते हैं कि पिछले 20 साल में बच्चों में व्यवहारिक रिएक्शन कितना बढ़ गया है ना। एक समय था कि अगर टीचर लॉबी से गुजरता था तो बच्चे जो है एकदम किनारे हो जाते थे, शांत हो जाते थे। आज के दिन तो उनके टोन में कमी नहीं आती, गाली गलौज तक सुनने को मिलता रहता है कॉलेज के कॉरिडोर में। तो अगर इस व्यवहार के शिक्षा पर अगर हम ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो ये अनाथों की तरह शिक्षा में पलने वाले बच्चों का है ना व्यवहारिक रिएक्शन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो मुझे लगता है हम सभी शिक्षक वर्ग को, सभी पेरेंट्स को इस गैप को कैसे भरा जाए उस पर बहुत गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। और हमें लग रहा है आप सभी लोग पिछले 3-4 दिन से कर रहे हैं और इस पर गहन मंथन की आवश्यकता है। ये जो गैप आ गया है बच्चों की जिंदगी में शिक्षा के कारण, उसको कैसे भरा जा सके, मुझे लग रहा है कि ये बहुत महत्वपूर्ण ध्यान दे करके उसके लिए अवसर बनाने की आवश्यकता है। और आप सब इस बात को कर रहे हैं बहुत सिंसियरली, ये देख करके भी बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी फीलिंग्स पे भी हम लोग कभी और बड़े वर्कशॉप में मिलेंगे तो और डिटेल में और गहराई से बात हो सकती है। जैसा उमेश भैया ने बार बार ध्यान दिलाया है कि ये तो मात्र एक अवेयरनेस प्रोग्राम है, आप लोगों से इस बात पर चर्चा होके एक अवेयरनेस हो जाए कि ये सब मुद्दों पे भी उसी इफेक्टिव तरीके से क्लास में बात हो सकती है जैसे आप कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के विषयों पे करते हैं। वैसे ही संबंध के साइंस पे भी उतने ही प्रभावी तरीके से प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ बात हो सकती है, हर एक व्यक्ति के साथ बात हो सकती है, विज्ञान की तरह हर एक व्यक्ति करके इसको देख सकता है, ये अवेयरनेस आप लोगों तक पहुंचाई जा सके। आई होप इस मूवमेंट पे सफल हो पा रहे हैं, उनकी मेहनत सफल हो पा रही है। तो मुझे लगता है कि हम लोग कभी और बड़े वर्कशॉप में 8 दिन के लिए कभी समय निकाल कर साथ बैठेंगे तो इसके और बहुत व्यवहारिक एस्पेक्ट्स पे, इसके व्यवहारिक जो पहलू हैं उस पर और गहन चर्चा करके गहरे निष्कर्ष बना पाएंगे। तो अभी मैं यहीं पर बात को रोकता हूँ, उमेश जी को हैंड ओवर करता हूँ।